सर दिखाइए। शादी का मतलब लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दूल्हा यूएस का होना चाहिए, आईटी प्रोफाइल होना चाहिए। शादी के बाद मुझे यूएस लेकर जाए। लव मैरिज ही बेस्ट है, चाहे पूरा परिवार प्यार के खिलाफ हो, मैं तो लव मैरिज ही करूंगी। अरे रे, ये चैनल पे आएगा? शादी करना मतलब सरदर्द होती है। मैं पेपर कंपनी का ऑनर था, आज खुद पेपर डाल रहा हूँ। ये सब शादी की वजह से हुआ। शादी का मतलब होता है दो जिंदगी के बीच सुख दुख आपस में शेयर करना, तभी खुशी मिलती है। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपकी शादी हो गई है क्या बेटी? हाँ हो गई है। हो गया? मंगल सूत्र नहीं है सर, वो मैंने निकाल दिया है। शूटिंग कर रही हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए निकाल दिया। घर पर जाकर सोते हैं सब? निकाल कर कील में लटका देती हूँ। इस जमाने में लड़कियाँ सभी होशियार हैं बेटी। मैरिज इज नॉट फॉर सेटलमेंट, इज फॉर कमिटमेंट, एडजस्टमेंट। इस रस्सी को पकड़ लो बेटी, खींचो खींचो और खींचो। हाँ अरे ओ, देखा बेटी, परिवार भी ऐसा ही होता है। तुम एक तरफ खींचोगी और दूसरी तरफ मैं खींचूंगा तो टूट जाएगा। अब इसे खींचो, जब तुम खींचोगी तो मैं लूज करूंगा, जब मैं खींचूंगा तो तुम लूज करना। खींचो खींचो खींचो, मैं खींचूंगा तो तुम आगे आना, तुम खींचोगी तो मैं आगे आऊंगा। इसी तरह हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो परिवार बहुत खुश रहेगा बेटी। सर आपने अब तक जितनी शादियां करवाई हैं उनमें से कोई एक ऐसी शादी जो भूल नहीं पाए? पल्लावरम में एक कित्तुमणि था, उसने कुछ अपनी कंडीशन रखी थी। उसका कंडीशन सुनकर मैं तो हिल गया। कित्तुमणि की एक लड़की है, उसकी शादी मैंने करवा दिया तो मैं बहुत चैन से रहूंगा। मेरी लड़की की शादी करवाने वाला तू कौन है रे? कौन है तू? तू टीवी भी तोड़ देगा तब भी मैं बोलता ही रहूंगा। अरे रे रे रे, अभी और कितने टीवी तोड़ने का इरादा है? आज क्या प्रॉब्लम है आपका? ये देख, ये इंसान मेरी मुसीबत है। इसने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी शादी करवाई और वो मुसीबत मैं आज दिन तक झेले जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं आप, ये तो अपना नारदन नायडू मामा है। थी? किसका मामा है रे ये? मेरी सातवीं कंडीशन क्या थी मालूम है? अपने परिवार की बात इस चार दीवारी के अंदर रहनी चाहिए, लेकिन ये आदमी चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताने पे तुला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुझे और मुझे सच के कटघरे में खड़ा रहना पड़ेगा और पुलिस भी पूछताछ करेगी, पता है तुम्हें? हेलो हेलो अर्जुन, पीछे इतनी खूबसूरत लड़की आ रही है और तुम इग्नोर कर रहे हो। खूबसूरत लड़की कहाँ है? हेलो, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। ऐसा है क्या? पता है आपसे बात करने के लिए मैं कितने दिनों से आपका पीछा कर रही हूँ। इंसान को दो ही चीजों के लिए चलना पड़ता है, एक तो लड़की और दूसरा डायबिटीज। आजकल लड़कियाँ भी चलती है क्या? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मन आ गया था। मैं क्या साड़ी हूँ जो तुम मुझे खरीद कर पहन लोगी? तुम तो पुराने ख्यालात के हो। एक हैंडसम लड़के को बहला फुसला कर होटल में ले जाकर रासलीला करने के बाद बोलोगे कि माँ बाप फोर्स कर रहे हैं, लड़का फॉरेन से आया है, और उसके बाद जाके शादी का कार्ड सबको बांट दो। तुम्हारे ख्याल से वाकिफ हूँ मैं? You know, matches are made in heaven. No, matches are made in शिवकाशी। अगर तुम हाँ कहो तो मैं अभी तुमसे शादी कर सकती हूँ। नहीं, 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 मैं ऐसे शादी नहीं करता, मैं बहुत ही सामाजिक आदमी हूँ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, शायद तुम जानती नहीं, वो एक पहाड़ की तरह होती है। मैं समझी नहीं। जब तक इंसान को कोई चीज पसंद नहीं आती उसके बारे में नहीं सोचता वो, और पसंद आ गई तो गोबर उठाने वाली लड़की का भी हाथ नहीं छोड़ता वो। मेरी भी यही पॉलिसी है, मुझे छोड़ दो, बाय। अर्जुन अर्जुन नायडू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाय, अब अपनी लड़की की शादी करने के बारे में सोचो जरा, इन पर कॉफी बर्बाद मत करो। ये आपकी बेटी की शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप नहीं समझोगे। तू क्यों नहीं बोलेगी? जब शादी हुई थी ना तब कैसी थी तू? केरला में पाई जाने वाली भैंस की तरह एकदम पतली थी, और अब अमेरिका में पाई जाने वाली जर्सी की तरह एकदम मोटी हो गई है। इतनी चर्बी चढ़ गई है ना? मुझ पर चर्बी चढ़ी और खुद तो फैलकर तंबू हुए जा रहे हो। बात करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी लड़की के लिए सलमान खान जैसा लड़का ढूंढना। मेरे ऊपर कार चलाने का इरादा है क्या तेरा? पता चल जाएगा। अपनी तो रेंज ही कुछ और है रे। हेलो बेबी, वेलकम वेलकम। ट्रिप कैसा था तुम्हारा? बहुत अच्छा। खैर जो भी हो, अपनी कंपनी का ऑर्डर तुमने ले लिया, बधाई हो। थैंक यू पापा। मम्मी, मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हैं और शांति कैसे है? बिल्कुल अच्छे। शांति ने तो 6-6 बच्चे दिए हैं, 2 महीने का गैप था ना, फुल टाइम बिजी है। बिजनेस के लिए सब ओके है। और कितने दिन यूं बाहर मीटिंग करती घूमेगी? अब तेरी शादी का टाइम आ गया है। मम्मी, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे शादी नहीं करनी है,
अब मुझे ये टेंशन मत दो, एक अच्छी सी कॉफी बना कर दे दो। निशा निशा, अरे छोड़ो ना इसे, जब मन होगा तब शादी कर लेगी ये। बाप बेटी दोनों एक जैसे हो बिल्कुल। नारद मामा से मिलने के अलावा और कोई चारा नहीं मेरे पास। उस इंसान का नाम मत लो यहाँ। तेरे पास कुछ भी नहीं था तब तुझे मेरे पास यहाँ छोड़ कर चला गया वो, पता है तुम्हें? आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ उसकी वजह सिर्फ मैं और मैं ही हूँ। ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। सही कह रहे हो, सब कुछ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ, सारा क्रेडिट तुम्हारा। ठीक है, एटलीस्ट किसी ज्योतिषी के पास जाकर निशा की शादी कब होगी यही पूछ कर आते हैं हम। ठीक है, जाते हैं, मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। आपके टूथपेस्ट में झाग है क्या? बोलिए ना। क्यों रे, शांति से खुले में हल्का होने भी नहीं देते तुम लोग। आपके साबुन में झाग है क्या? अरे इधर पानी नहीं आ रहा, तू झाग की बात कर रहा है? जो मैंने हमेशा छुपाया वो तूने सबको दिखाया। तेरी तो रुक, पहली बार आ रहा है साबुन और पेस्ट एक ही प्रोडक्ट में। बिना सोचे समझे खरीदें चिंतामणि सोप। दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। क्या जी, वापस यहीं ले आए ना? अरे क्या कर सकते हैं, निल्लई वसंतधर मुरलीधरन सेल्वी कोई भी शहर में नहीं है, यहीं पर होगा इसलिए आया मैं। ये वैद्य कम ज्योतिषी ज्यादा है, तुम्हें पता नहीं है क्या? ठीक है ठीक है, टोकन ले लो। ए भाई टोकन देना। ये लीजिए टोकन नंबर 5002। यानी हम लोगों से पहले 5001 लोग हैं। ठीक है, मैं जाकर 5 साल बाद आता हूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 5001 से तो शुरू होता है। यही है नंबर वाला जी। ओहो, वो नंबर वाले नहीं न्यूमरोलॉजी वाले हैं। अरे मुझे पता है तू SLC फेल, तू किट क्वाइट। ये ले, तू ही रख ले इसे। ओम नमः शिवाय। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो दूसरे का बुरा सोचता है उसका बुरा ही होता है, ये बात तय है। ये विद्वानों का कथन है। पंडित जी कुछ समझ में नहीं आया जो मैं कह रहा हूँ। इसमें ना समझने वाली क्या बात है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। छे, गैस की प्रॉब्लम है, गैस ट्रबल। बाएं पैर में दर्द है। उम्र हो गई है ना। दाहिने पैर में भी तकलीफ है। शरीर में व्याधि है, अपनी कुंडली देना। ये लीजिए। शनि के चक्रव्यूह में हो, केतु बिना इजाजत लिए बुराई के लिए मुस्तैद है, गुरु उल्टा पुल्टा करना चाहता है, बुध ने बाधा ही बाधा पैदा कर दी है। वेरी बैड। तुम्हें पता है तुम्हारी कुंडली में शनि और केतु बिना परमिशन लिए IPL मैच खेल रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो अगला IPL मैच तुम स्वर्ग या नर्क में टॉप एंगल से देखोगे। ये सब दोष मिटाने के लिए अब क्या करना होगा पंडित जी? इसी महीने 23 तारीख को पूर्णिमा की रात है, उस रात राहु और केतु की पूजा अर्चना करके खाना खाने के बाद इसमें से एक टेबलेट खा लेना। इससे मेरी बीमारी दूर होगी ना? मरने की डेट को आगे बढ़ा सकता हूँ। 2 IPL मैच देख सकते हो। तुम्हें समाधान मिल गया, दक्षिणा 500 रुपए दो। कुछ कम है मेरे पास। चलेगा, दे दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोदया मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। कम बोलकर 470 रुपए कम देकर जा रहा है। क्या है, बहुत दर्द हो रहा पेट में? दर्द बंद ही नहीं हो रहा। तू कुछ फिक्र मत कर यार, तू अंदर जा, तुझे एक गोली देंगे, फिर उसके बाद तू पूरा क्लोज हो जाएगा। क्या गोली खा के पूरा क्लोज हो जाएगा? तूने अपने रिश्तेदारों को बताया या नहीं? जा जा, बोल करा, जल्दी बोल करा, ये गर्भवती जैसे क्यों चल रहा है? ये क्या जी, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, उम्र का तो लिहाज करो। शहर में आधे से ज्यादा लोग छोटे इंसान के जैसा ही तो बर्ताव करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो बाहर दिख रहा है, जो लोग करते हैं वो दिखाई नहीं देता। अच्छे से आया फिर लंगड़ाते हुए क्यों जा रहा है? चल जाइए। आइए आइए जी, नमस्ते, आइए बैठिए। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं। उमा आप कैसी हैं? मैं ठीक हूं। पिछली बार आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे थे तभी मुलाकात हुई थी ना? वहाँ पानी आने वाला था, आया क्या? आया सर के ऊपर 10 फुट तक आया था, मैं आपको बताना ही भूल गया था। अभी आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर? बेटी की कुंडली दिखाने आई हूँ, बताइए ना कब होगी इसकी शादी? ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। निशा अश्विन नक्षत्र मेष राशि सिंह लग्न। जो लिख के दिया उसे बराबर पढ़ रहे हैं। किट्टू मनी जी, आप लेकिन इतनी देर से क्यों आए? अरे मैं तो आधा घंटा पहले ही रेडी हो गया था, लेकिन आप लेडीज को तो जानते ही है ना, इन्हें लेट तैयार होने का वरदान है, बस इसीलिए लेट। अरे रे 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 रे, उसके बारे में नहीं पूछ रहा। फिर ये कुंडली जिसकी है उसकी अब तक शादी हो जानी चाहिए और आपको नाना नानी बन जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ आप नाना बनोगे और ये नानी। ओहो हो हो हो। इस लड़की की 3 पखवाड़े के अंदर शादी हो जानी चाहिए। मैंने शादी के मंडप के बारे में सुना है, वो क्या है, क्षेत्र क्या? ओफो, 3 पखवाड़ा मतलब 45 दिन में। परेशान मत कीजिए, अगर इन 45 दिनों में इस लड़की की शादी नहीं हुई तो इस जन्म में इसकी शादी होगी ही नहीं। उसके बाद ना तो आपका वंश आगे बढ़ेगा और ना ही बच्चों का मुंह देख पाएंगे। फिर गेरुआ वस्त्र पहनकर काशी रामेश्वरम की यात्रा करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। फटा पोस्टर निकला 0। आप क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। उनको जो पता है वही तो बोल रहे हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि इन्हें इनकी दक्षिणा देकर हमें निकल जाना चाहिए, समझ गई? तो ये लीजिए आप, चलो चलते हैं। ये क्या है,
सोचा था हाथ में जितना है सब देके जाएगा, लेकिन ये तो 500 का एक ही नोट देकर निकल लिया। उम्मीद में घाटा हो गया। अजी सुनो, अब क्या करेंगे जी? हमारी फैमिली कब बढ़ेगी? क्यों, हम कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेगी जी? कुछ तो शर्म करो। अरे इसमें क्या शर्म वाली बात। हे महादेव, हे दुर्गा माँ, मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में जल्दी करवा दीजिए। अरे माँ, क्या है जी? मर गया। ओह, आपका सर पूरे पसीने में भीगा हुआ है। मेरे सीने में भी दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, ड्राइवर गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है मैम साहब। हे, वो रसगुल्ला है। अरे ये शुगर फ्री डेजर्ट है। ये क्या सर, आपका शुगर क्रिकेट स्कोर की तरह है। ऐसे में मीठा खाएंगे तो इन्हें गुस्सा है। इसकी वजह से गुस्सा नहीं हूँ, ये मुझे छोड़कर खा रहा है इसलिए गुस्सा हूँ। लाता तेल दे। डॉक्टर, मुद्दे की बात कीजिए। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कह देता हूँ। ये तो नहीं बोल सकता है, डॉक्टर मैं हूँ, मैं बोलूंगा। बोलो। इसे कुछ नहीं हुआ है। सुबह नाश्ते में क्या खाया था? मसाला डोसा खाया था। डॉक्टर, सिस्टर डायलॉग और एक्शन सिक नहीं हो रहे हैं। अब कहानी में एक ट्विस्ट है, वो मसाला डोसा अच्छा नहीं था, इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा घी डालकर और 5 मसाला। 4 और 5 नौ, तूने 9 मसाला डोसा खाया है। तूने मेरे बिना खाया है, तुझे और कुछ नहीं हुआ है, गैस ट्रबल हुई है, मैं जाकर बताता हूँ। अरे सुनो तो सही। क्या हुआ? मेरी बात सुनो। लड़की की शादी करवाने के लिए ऐसे एक छोटा सा ड्रामा करना होगा। 4 लोगों को अच्छा रहना है तो कुक जो भी करेगा गलत। तो सिर्फ 3 ही लोग हैं। अरे दिमाग खराब मत कर। मम्मी, हाँ? पापा को क्या हो गया? उस बदमाश ज्योतिषी ने तेरे पापा से कहा 48 डेज में तेरी शादी होनी चाहिए। ये सुनकर तेरे पापा के सीने में दर्द होने लगा है। मम्मी, अब वो ठीक तो है ना? डॉक्टर को अंदर गए बहुत देर हो गई। निशा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तू अंदर मत जा बेटा, उन्होंने कहा वो बुलाएंगे। सिस्टर, उन्हें अंदर बुलाकर लाइए। कैसा डॉक्टर है, कैसी सिस्टर? अब वो कैसे हैं? डॉक्टर, पापा कैसे हैं? डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। ए रसगुल्ला, जेब में मत डाल, इसे मैं हूं ना यहाँ पर, मैं देख लूंगा। इसे कोई जेब में डालता है, पागल कहीं का। पापा, बेटा कैसे आप? अरे रे, शर्म नहीं आती, आप रसगुल्ला खा रहे हैं? मत लीजिए, इन्हें लो शुगर है, मैंने खाने के लिए कहा है। डॉक्टर, क्या हुआ पापा को? तुम्हारे पापा को क्या? अरे रे, चुप करो चुप करो। चश्मे में धूल लगी थी, उसे साफ कर रहा था, और तुम लोग बिना मतलब चिल्ला रहे हो। सिनेमा देख देख कर तुम लोग बिगड़ गए हो। तुम्हारे पापा को माइल्ड अटैक। ऐसा है क्या? आप माइल्ड अटैक को इतना इजीली कैसे ले सकते हैं? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू जल्दी से शादी कर लेती तो ये सब कुछ नहीं होता। अरे इसे डांट क्यों रही? ये इसकी शादी में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, ये सोच सोचकर इसे। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर, मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ। पापा, मैं शादी के लिए राजी। तुम सच कह रही हो? ये मुझे स्वीट कहानी जैसा लग रहा है। मेरा हार्ट अटैक ठीक हो गया लगता है। डॉक्टर, इन्हें डिस्चार्ज कब करेंगे? कभी बताऊं तो तुम कभी भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये मैंने खुद बोला है। ठीक है, ठीक है, तुम देखा क्या? सुनो, मैं अभी इसे खा लेता हूँ। खा लीजिए, फिर हम घर चलेंगे। कैसे थी परफॉर्मेंस? ड्रामा कर रहे थे। सच में आपको हार्ट अटैक नहीं आया था ना? अरे तुमसे शादी करके भी हार्ट अटैक नहीं आया तो आप कैसे आ सकते हैं? तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ ले जाओ, तुम खा लो। थैंक यू। बहुत बुरे हो तुम। पापा की तबीयत बहुत खराब थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने हाँ की। ए, ये शादी तेरे लिए सही रहेगी क्या? पापा की हालत देखकर तूने हाँ तो बोल दिया, पर तुझे ही तकलीफ होगी। इसकी वजह से किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद होगी। अरे उसका छोड़ो, अपनी सेफ्टी भी तो जरूरी है ना। बोलना तो बहुत आसान है, जैसे तुमने डिवोर्स लिया ऐसे ये नहीं ले सकती। इसके तो नखरे देखकर अगले ही दिन इसका दूल्हा इसको डिवोर्स दे देगा। देख, अब तू इसे कंफ्यूज मत कर। जिसे ये जानती नहीं उसे शादी क्यों करना? क्या तूने ये सोचा कि वो लड़का तेरे साथ सेट हो पाएगा? हेलो, तू ही कंफ्यूज कर रहा है। नहीं रे। अच्छा बता, शादी हो जाने के बाद क्या तू हमारे साथ टाइम बिता पाएगी? नो वे, मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी। ऐसा तो इसने भी कहा था। तू सोच समझ कर फैसला ले, तेरे से मैच हो ऐसा लड़का ढूंढने के लिए घर पर बोल। तुझसे शादी करके आखिर कौन फंसना चाहेगा? ए आउट है। मैं आउट नहीं। ए चल रे, आउट है, आउट है, बोला। ए बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसकी बॉलिंग अच्छी थी, तू आउट हो चुका है, समझा? ए तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, भागो यहाँ से। उसका सीजन बॉल है। ए आउट है, तेरे को बोला आउट है, आउट है, चल आउट है, तू भाग यहाँ से। क्रिकेट खेलेगा तू? मार रहा है बॉक्सिंग खेलता हूँ, रुक। ए चल जा रे, गिल्ली डंडा खेलने आता नहीं, क्रिकेट खेलने चला। अरे तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? तुझे नहीं पता कौन सही है? और क्या यार, ये गुस्से में देखता भी नहीं है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन। सॉरी दोस्त। क्या यार,
मजा आ गया ऑनियन पकोड़ा। अरे क्या हुआ पापा, आपने तो कहा था आपके सीने में दर्द हो रहा है, तो आप आज अनियन पकोड़े कैसे खा सकते हैं? अरे बेटा, कोई अपनी ही मौत पर डांस कर सकता है क्या? इसलिए मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले बहुत सारे कांदा भजिया खाकर तेरी शादी करवा कर उसके बाद तेरे बच्चों की भी शादी करवा के 50 साल बाद मैं आराम से चला जाऊंगा। पापा आप ऐसी बातें मत किया करें। ठीक है बेटा, 40 चलेगा। पापा मैंने आपकी वजह से शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन मेरी 8 कंडीशंस हैं। क्या कहा? तेरी भी 8 कंडीशंस हैं? क्या हो गई शादी? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, शाबाश, शेर का बच्चा भालू नहीं है, आज ये तूने प्रूव कर दिया बेटी। बोलिए, व्हाट डू यू वांट? नारद नायडू मामा है क्या? ओ, लड़का दिखने आए क्या? मैं उनका शिष्य हूँ, बोलिए क्या बात है? वैसे कोई बात नहीं है, आपकी शादी के लिए भी हम लड़का देख लेंगे। What? मेरी शादी को हुए डिवोर्स हो गया है, ये तो आज का रिवाज है, चिंता मत करिए, इसके लिए भी लड़के हैं हमारे पास। मेरी शादी हो चुकी है, मैं किट्टू मणि की वाइफ हूँ। किट्टू मणि की वाइफ है क्या आप? अरे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है, मैं तो हर पल उनको याद करते रहता हूँ। अरे आज सुबह सुबह ही आप लोगों की शादी के बारे में सोच के हंसता रहा था मैं। नॉनसेंस, क्या नॉनसेंस बोल रही है, आप लोगों की शादी तो अच्छी थी ना। मैं किट्टू मणि की वाइफ उमा आई है, जाकर बोलो स्टूपिड। आपने उनको कहा? आपको ही बोल रही हूँ। आप बैठिए, मैं उनको बुलाता हूँ। नमस्ते मामा। नमस्ते बेटी, बैठो। कैसी हो बेटी? जी अच्छी हूँ मामा, देखने से पता चल रहा है। कैसा है तुम्हारा पति, आई मीन किट्टू मणि? वो भी अच्छे है मामा, आप कैसे हैं? देखने से कैसा लग रहा है? एकदम अच्छे। क्या प्रॉब्लम है बताओ? आपको कैसे पता कि मैं प्रॉब्लम लेकर आई हूँ? देखो बेटी, डॉक्टर, वकील, ज्योतिष, इन लोगों को कुछ हुआ तो वो किसी से पूछने के लिए नहीं जाते, कोई प्रॉब्लम होगा तभी जाएंगे। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है बताओ? मेरी बेटी निशा है ना, अपने पापा की तरह शादी के लिए कंडीशन डाल रही है मामा। अरे वो किट्टू मणि की बेटी है ना, तो कंडीशन डालेगी ही। कैसा कंडीशन डाला? 8 कंडीशन बता रही है। उसका भी 8 कंडीशन है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कंडीशन एक एक करके बताओ। कंडीशन नंबर 1, उसके माँ बाप नहीं होने चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबी से शादी करोगी तुम? उसके साथ नहीं होने चाहिए पापा। ओ, ऐसा क्या? तो उसके भाई बहन तो उसके साथ रह सकते हैं ना? नो एक्स्ट्रा लगेज, वो सब जहरीले कीड़े हैं। करेक्ट, वो हम लोगों के टच में नहीं होने चाहिए। इस जमाने की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, उनके लिए सिर्फ माँ बाप, भाई बहन सब कुछ होना चाहिए, लेकिन घर में जो लड़का दामाद बनकर आता है उसके आगे पीछे कोई नहीं होना चाहिए, अनाथ रहना चाहिए। ठीक है, अगला कंडीशन क्या है उसका? कंडीशन नंबर 2, लड़का बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन काम की तलाश में हो। अपने शहर में पढ़े लिखे लड़के हैं ना बेटे? पापा उसका भी एक रीजन है। हाँ, मतलब तेरी बेटी घर जमाई लड़की को ढूंढ रही है। वो घर का नौकर ना बन जाए, मुझे तो डर लग रहा है मामा। तुम्हारी बेटी है ना, तुमसे ज्यादा कौन जान सकता है उसे। कंडीशन नंबर 3, पापा आज तक आपने मुझे तैरना तक नहीं सिखाया। तेरी कुंडली में जल दोष है बेटी। इसीलिए मुझसे जो शादी करेगा उसे तैरना आना चाहिए। अभी जो मद्रास में बारिश हुई ना, उसके लिए ये कंडीशन ओके है बेटी, वो अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी बेटी की जान बचा ले, यही मतलब ना। आगे कंडीशन नंबर 4, जो सपनों में उड़ते हैं उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। Okay. उनको ये पॉलिटिक्स, मूवीज के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। तो फिर हमें अगला CM कैसे मिलेगा बेटी? झूठ और नाटक नहीं करना चाहिए, ऐसी मांग कर रही है तुम्हारी बेटी। ओके, कंडीशन नंबर 5, गुस्से वाला ना हो, मुझे आया तो मैं हाथ भी उठा सकती हूँ। उसकी भलाई के लिए तो कह रही है, इसीलिए उसे कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। यानी शादी के बाद पति नौकर बनकर रहना चाहिए, है ना? कितने नखरे है बेटा तेरे। कंडीशन नंबर 5A, ABCD डालेगी। लड़का शराबी नहीं होना चाहिए। हाथापाई की नौबत नहीं आनी चाहिए, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर शादी के बाद वो पीता है तो उसकी वजह औरत ही होती है। मैंने तुम्हें नहीं कहा। कंडीशन नंबर 6, मैं शादी के बाद बच्चा पैदा नहीं करूंगी। तो बिना बच्चों के रहोगी बेटी? क्या जी? पापा, पैठी मेरे बच्चे हैं। अच्छा ये बात है, देखो अपने नाती पोते कैसे हैं। लिखा ले। यानी किट्टू मणि के जायदाद का कोई वारिस नहीं है, कुत्ता और खरगोश है क्या? अगर बच्चे चाहिए तो गोद ले लेगी कह रही है मामा। कंडीशन नंबर 7, अभी मैं जैसी हूँ ना वैसी शादी के बाद भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जाऊंगी और आऊंगी। Okay. मैं कितनी भी सोशल रहूं उसे मेरे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। Okay. इसका मतलब है तू बस घूमती रहेगी। मैं बताता हूँ, मैं तेरा पति हूँ ना, क्यों मुझ पर इतना शक कर रही है? बोलो ना। मैं तुझे खुश करने के लिए बाग, बीच, सिनेमा, ड्रामा सब जगहों पर लेकर जाता हूँ ना, यही सारा काम बाजू के घरवाली का पति तेरे साथ करेगा, तो इसको सोशली घूमना। बकवास कर रहे हो। पुराने जमाने में लोग पुरुष की स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। कंडीशन नंबर 8, बोलो बेटी। शादी के पहले उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करके देना होगा। ये क्या कह रही हो तुम? सही है पापा, शादी के बाद अगर झगड़ा वगड़ा हो गया तो मुझे गिड़गड़ाना नहीं पड़ेगा। तू जो कह रही है वो सही है,
उमा तूने सुना? अरे ये क्या? अरे उमा, शादी से पहले ही डिवोर्स पेपर साइन करके रख लेगी कहती है, कैसे समझाओ उसे मामा? इसे कहते हैं बेटी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। इतनी कंडीशंस के साथ इसके साथ बताइए ना, कौन शादी करेगा? तुम्हारे पति ने कंडीशन नहीं डाला था, तुम्हारी शादी उससे करवा दी ना। देखो बेटी, तुम्हारी बेटी में मुझे एक चीज बहुत पसंद आया, जानती हो क्या है? जानवरों को भी अपने बच्चे की तरह मानती है, ऐसा उसके दिल में प्यार है। इतना काफी है मेरे लिए बेटी, अपने होने वाले पति को वो कभी तकलीफ नहीं देगी। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, मैं सब देख लूंगा। ये देख, किट्टू मनी और उमा की शादी मैंने करवाई, उस किट्टू मनी को एक अच्छी बीवी मिली, उमा। उमा के लिए इस तरह का नल्ला पति नहीं मिला किट्टू मनी, न इधर का रहा ना उधर का। उस किट्टू मनी की पाप का प्रायश्चित करवाने के लिए अभी मैं किट्टू मनी की बेटी की शादी करवाने वाला हूं, उसका भी कंडीशन बिल्कुल किट्टू मनी की तरह ही है। फिर भी उसके लिए मेरे हाथ पे बहुत अच्छा लड़का है, उसी से उसकी शादी करवाऊंगा। अर्जुन, मैंने कहा था ना मैं कार्तिक के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, सच कहूँ तो मैं दिव्या के साथ फाइव स्टार होटल के एक रूम में हूँ। ये सब तो मुझे अभी क्यों बता रहा है? सोचा कि आपको सच बता दूं। तेरी तो सच बता रहा है या मुझे गुस्सा दिला रहा है? हाँ, तू कल घर आ, मैं तुझे बताता हूँ। घर आ, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैं भी तेरा बाप हूँ। तुझे नानी याद नहीं कराई तो मैं तेरा बाप नहीं। सच बोलने में कितना मजा आता है ना। जल्दी उठा रे। उठा क्यों नहीं रहा? नमस्ते बेटा, मैं शादियों का ब्रोकर हूँ। मैं तो आपके घर गया था लेकिन आप वहाँ नहीं थे, इसलिए यहाँ चलाया। हाँ तो बोलिए। मेरे पास बहुत सारी लड़कियों की कुंडली और फोटोग्राफ है, अगर तुम कहो तो। वो सब नहीं चाहिए मुझे। पहले लड़की की फोटो तो देख लो फिर बोलना। हाँ भाई, ये लीजिए। ये देखो, ये फोटो देख कर तो कुछ अलग ही लग रहा है। शादी के ब्रोकर ही है ना? अरे लगता है इसने गलत फोटो दे दी है। सब इसकी वजह से, सब इसकी वजह से हुआ है। मेरा नाम खराब कर देगा, असली वाली दे। ये लीजिए। ये देखो बेटा, एकदम तोते की तरह दिख रही है। इसकी कुंडली मैं बताऊं? पहले देख तो लो। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसे देखो, इसका नाम है मैना। लग रहा है जैसे किसी ने पेंसिल से लाइन खींच दी। दरअसल ये शादी से पहले बिल्कुल भैंस जैसी थी, डिवोर्स के बाद मैं सूखी बोमिल हो गई। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या कोई स्टॉक सेल है जो बिकी नहीं मुझे ला कर दे रहे हो? सुनो बेटा, तुमने मेरी पत्नी को देखा है ना? तुम्हारी जूनी मॉडल को मेरे ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? वो बात नहीं है भाई। आपको कैसी लड़की चाहिए सर को बता दीजिए, हमारे सर वैसी ही लड़की ढूंढ के दे देंगे। सर क्या करेंगे, तुम्हें जो लड़की पसंद आएगी उसी से शादी करवाऊंगा। ऐसा बोलो। अच्छा बेटा, तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए? मुझे खूबसूरत, पढ़ी लिखी और एक अकलमंद लड़की चाहिए। यानी तीन लड़कियां देखनी पड़ेगी। हेलो, 3-in-1 होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये बताइए आपने पढ़ाई क्या की है और काम क्या करते हैं? मैं MBA पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और मॉडलिंग भी कर रहा हूँ। ओ, तुम एक्टर हो क्या? हाँ सर। मतलब तुम पिक्चरों में जाकर पॉपुलर होकर पॉलिटिक्स में जाकर बहुत बड़े आदमी बनने की सोच रहे हो। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? बताइए, शादी के बाद आपकी सिंगल फैमिली होगी ना? देखिए, नया रिश्ता बनाने के लिए मैं पुराने रिश्ते को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ सकता, उसके माँ बाप चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं। वैसे जानवरों को घर में पालने का मुझे शौक नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें शराब पीने की आदत है क्या? फ्रेंड्स लोगों के साथ कभी कभी पी लेता हूँ। मतलब आप रेगुलर नहीं पीते, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ पीते? सही पहचान। हेलो, हाँ बोल मेरी जान। हाँ, कौन है? इसका फोन है? क्या फ्रेंड्स लोगों के साथ शॉपिंग जा रही हो? बेफिक्र होकर जाओ, नाइट शो भी देखने जा रही हो? ठीक है, लेट हो जाओगी। हाँ हाँ, मैं वेट करूंगा। अच्छा, रात के लिए खाना बनाकर रखूं क्या? ठीक है मेरी जान, हाँ रखता हूँ। हाँ हाँ, तो हम कहाँ थे? एक दूल्हा खींच के तेरी बीवी किसी के साथ रात को सिनेमा देखने गई है और बोलिए लेट आएगी, और तू बावर्ची की तरह उसके लिए खाना बनाएगा? शर्म नहीं आती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जमाना बदल गया है ना, तो पढ़े लिखे लोग थोड़ा सोशल तो होंगे ही। ए, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। कान खोल कर सुन लो, बोल देता हूँ। बेटा तुम्हें गुस्सा कुछ ज्यादा नहीं आता है? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आता है। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, चलो 9-2-11 हो जाओ। लगता है बहुत गुस्से में हो। एक काम करते हैं, पास में होटल है, वहाँ जाकर स्विमिंग पूल में तैर कर बात करते हैं। मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो मुझे वहाँ ले जाकर मारना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं लगता इस जन्म में तुम्हारी शादी होगी। चले जा जा। आपने बुलाया भगवान? वो किट्टू मनी है ना? हाँ। थोड़ा पागल टाइप का है। वो तो आप कई बार बोल चुके हैं। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, सुन ले। हाँ। वो कुछ गड़बड़ करे उससे पहले तू उसके साथ जुड़ जा। क्यों, आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं क्या? मैं जो बोल रहा हूँ वो पहले बात सुन ले तू। तुझे क्या करना है? हाँ। और कब तक करना है? अरे वो मैं तुझे बताता रहूंगा, ठीक है? अरे मेरी बात खत्म करने से पहले चला गया, ये तो उससे भी बड़ा पागल है।
जरूर कुछ गड़बड़ कर देगा। सुनिए, आपका टिफिन बन गया है। आ गया, आ गया। तो टिफिन रेडी हो गया? ये लीजिए। ये क्या मेडिकल की दुकान खोल के रखी है? कौन सी दवा खाऊं पता ही नहीं चल रहा है। कौन सी दवाई किस वक्त खानी है ये भी नहीं पता इस आदमी को। ये लो, खा लो। पानी क्या तुम्हारा बाप देगा? मुझे तो घर की नौकरानी समझ रखा है। किचन पता है ना, जाके ले लो। खाने से ज्यादा तो ये खानी पड़ती है। अरे घन चक्कर, गाड़ी को रोक। तू मेरा ड्राइवर है ना, तो मैं कह रहा हूँ वो सुन। नॉर्थन राइडू और एक पत्थर है। रुक जाइए। कौन है बे तू? ट्रैफिक रामास्वामी ने भेजा है? मेरे भगवान है। इस शहर में किसी का भी बैनर हो, लेकिन इस आदमी का नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ये आदमी एक फ्रॉड है। ये बात तो पूरे शहर को पता है। मेरा ब्रोकर का काम बहुत बढ़िया चल रहा था, बंद करवा दिया इसने। कितने सारे झूठ बोलकर शादियां करवाई हैं। मेरे साथ भी खेल खेला है। आप भी ब्रोकर हो क्या? झूठ बोलकर मुझे शादी के कीचड़ में फंसा दिया इसने। किस्मत ने हम दोनों को कैसे मिलाया देखो। अरे मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। इस दुनिया में सच्चे इंसान पर कोई भी विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ। उस भगवान ने तुझे मेरे पास लाकर छोड़ा है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी लड़की के लिए, मतलब उसकी शादी के लिए मैंने पेपर में ऐड दिया है। कल इंटरव्यू में सब लड़के लोग आने वाले हैं। मान लो अगर तूने मेरी बेटी की शादी करवा दी तो तुझे जितने पैसे चाहिए उतने दे दूंगा मैं। ये ले एडवांस। एडवांस की जरूरत नहीं है। चाहिए के तो लाए दर। ये भी चाहिए और आप भी चाहिए। चिंता छोड़ दीजिए, आपकी लड़की के लिए अच्छा लड़का ढूंढकर शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। इस नारद नायडू के फटे पोस्टर के सामने कसम खाता हूँ। सुपर। चलिए अपनी कार में चलते हैं। तू भी कार में आया है क्या? आपकी कार मतलब मेरी कार। अच्छा, तो इतना क्लोज हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी, स्वामीनाथन लोग बुलाते हैं। ठीक है, चलो। नारद नायडू, वर्कआउट हो गया? नाराज मत होइएगा, मैं वापस आके ना पोस्टर चिपका दूंगा। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। सब लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं क्या? हाँ सर। जी जी हाँ। सर पहला मेरा इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल से पिकअप करने जाना है। सर तेरी शादी हो गई है क्या? हो गई है सर। शादीशुदा वालों का कोई काम नहीं है। यू आर रिजेक्टेड। जाओ अपने बच्चे को लेने जाओ। जाओ यार। अरे सर, तुम्हारे बेटे को आना चाहिए था, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? अरे किसका बेटा, मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। यानी ये तुम्हारा बेटा नहीं है? अरे भाई, जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उसी उम्र में इंटरव्यू देने चले आए। अरे जाके पोगो चैनल में कार्टून देखो। अरे जाओ जाओ जाओ। तो मेरा ही काम कर रहा है, किसी तरह ये भी रिजेक्ट हो जाए। आप यहाँ वेट कीजिए, मैं अभी बुलाता हूँ। ये बाहर कितने लड़के आए? जो कंडीशन आपकी बेटी का है उस हिसाब से सिर्फ चार लोग आए थे। सिर्फ चार? उसमें से एक शादीशुदा था, मैंने खुद ही उसे भगा दिया। कहीं उसका एप्लीकेशन लेना तो नहीं था? मैं यहाँ स्वयंवर चला रहा हूँ क्या? ये इंटरव्यू है, एक एक को भेज अंदर। जा। आइए। कमिंग डूड। भगवान। नमस्ते। अपने बाप को यहाँ क्यों लेके आया? मेरे पिताजी नहीं है भगवान, इंटरव्यू के लिए आए हैं। इंटरव्यू के लिए? इस चीज का इंटरव्यू है, बिना जाने ही आ गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है, कुछ भी सवाल पूछकर भेज दीजिए। बुजुर्ग आदमी है, वरना अपसेट हो जाएगा। दिमाग खराब कर रहा है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसको बैठने में भी इतना टाइम लगता है? ये लीजिए सर। ये क्या पहले इस्तीफा दे रहे हो? मैंने तो तुझे काम पर ही नहीं रखा था। सर, ये मेरा बायोडाटा। अरे बड़े भाई, आप तो 63 साल के हैं। सर वो तो मेरे जन्म का साल है। सर आप तो सीनियर सिटीजन है, आपके इंटरव्यू नहीं ले सकते सर। नहीं सर। इसके लिए सिर्फ MBA चाहिए। अरे भाई, MBA, MLA, MP, काउंसलर, अगर इन सब की सिफारिश तुम मांगोगे तो मेरे पास इतने बड़े बड़े लोगों की सिफारिश कहाँ से आएगी? आप ही बताइए ना सर। क्या कहा, नौजवान? हाँ सर, बहुत जवान लड़का है। अरे मुझे जॉब चाहिए। अरे आप सवाल तो पूछिए। सवाल पूछना है ना, चल ठीक है। तू एकदम शराब पीकर सोया हुआ है, तभी शाम को 6 बजे के बाद ये तेरी बीवी को पूरे शहर में घुमा कर उसे घर पर ला रहा है, तो कैसा लगेगा तुझे? इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता सर, क्योंकि मेरी जो बीवी है वो पिछले 6 महीने से लंबी लेटी है। अगर ये चाहे तो उसके चारों तरफ घूम सकते हैं, लेकिन उसको अपने साथ घुमा नहीं सकते। वो अच्छी है क्या? अगर वो अच्छी है तो उससे शादी कर लेगा तू? भाई साहब जाओ यहाँ से। क्या बोले? जा रे। ठीक है। जा, जा, जा। कैसे? हाँ नेक्स्ट।
अरे क्या भाई, डर के मारे तुम पूरे पसीने से भीग गए हो। तू अपना मुंह बंद करेगा? अरे ये लोग तो पागल है। गुड मॉर्निंग सर। है? ये इतना भीग कर क्यों आए हो? नहीं सर, यहाँ तक आने के लिए रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ था। हाँ? कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने समुद्र में छलांग लगा दी और तैरता हुआ आ गया, क्योंकि मैं टाइम का बहुत पंचुअल हूँ सर। समंदर में तैर कर आया है तो? आपको इस पे हैरानी हो रही है सर, मैं पांडिचेरी का रहने वाला हूँ, वहाँ हमें हमेशा तैरना पड़ता है। नायडू? नायडू नहीं सर, मैं संता कुमार। नहीं रे, नारद नायडू। हे भगवान, क्या करे, जस्ट मिस्ड। एक मिनट सर। अरे नहीं चाहिए, छोड़। ओके सर। बहुत देर से ये मछली मुझे परेशान कर रही थी। ये तो सुनामी में भी तैर के आ जाएगा। लंच का इंतजाम हो गया। आपने जब सुनामी का जिक्र किया तो मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं छोटा बच्चा था तो अपने माँ बाप के साथ में रामेश्वरम से पांडी के लिए टूर पर गया था। जानते हैं रास्ते में क्या हुआ? मेरे माँ और पिताजी दोनों सुनामी में मारे गए। उस दिन से नो माँ नो पापा, और तभी से मैं सुनामी में स्विमिंग करता हूँ सर। ओहो, तू धनुष का फैन है क्या? ये धनुष कौन है सर? धनुष के बारे में नहीं जानता? अरे वो रजनी का दामाद है। और सुन, तुझे ये अजीत और विजय के बारे में पता है क्या? ये आप किनके नाम ले रहे हैं? अरे अजीत और विजय के बारे में नहीं जानता और तमिलनाडु में रहता है। अरे भाई वो बहुत बड़े कलाकार हैं यार। सर मैं तो एक ही एक्टर को जानता हूँ, MGR सर। वो भी हरिवंश राय बच्चन को पढ़ने के बाद पता चला। वो सिर्फ कलाकार नहीं थे, बहुत बड़े नेता भी थे। तमिलनाडु के लिए बड़े बड़े काम किए उन्होंने। ऐसी बात है सर? मतलब तुझे पॉलिटिक्स और सिनेमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है? राजनीति और सिनेमा में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब समझ में आया इतना पढ़ने के बाद काम क्यों नहीं मिला? एक और सवाल पूछना है तुमसे। पूछिए सर। तू शराब पीकर एकदम तो? ये भगवान! अरे उन्हें क्यों बुला रहा है? नहीं सर, पांडिचेरी का होने के बाद भी इसका और उसका कोई संबंध नहीं है सर। जब भी मैं शराब को देखता हूँ ना तो अपनी आंखें और मुंह बंद कर लेता हूँ सर। इतना शरीफ इंसान है क्या तू? इसे लेकर आइए सर। आधा सवाल ही हुआ है। शाम को 6 बजे के बाद डेली तेरी बीवी को ये बाइक पर लेकर घूम रहा है। सॉरी सर। अरे कल्पना में ही खुश हो ले। नहीं, मुझे बाइक चलाना नहीं आता। तो अपनी बीवी को इसके साथ देखकर तुझे कैसा लगेगा ये बता? अब बोलो। नो प्रॉब्लम सर, बीवी तो आदमी की बेटर हाफ होती है सर। वो किसी के साथ जाएगी तो मैं उस पर शक नहीं करूंगा सर। भले ही वो उसका बॉयफ्रेंड होगा लेकिन मैं तो उसका पति हूँ ना। ये तो बड़ा बेशरम निकला। सुपर नायडू, ये मारिए सर। थैंक यू बेटा। ये हर चीज के लिए ओके बोल रहा है, सिलेक्ट तो नहीं हो गया? यस। जोर जैसा तो दिखता है। हे भगवान। सर आपकी खुशी को देखकर मुझे लगा कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। अब ये बता दीजिए कि मुझे कब से काम पर आना है तो मैं खुशी खुशी घर जा सकता हूँ। बोलिए सर। इडियट, मैं चाय पी रहा हूँ, दिखता नहीं है कि बीच में बोले जा रहा है। ये लेमन टी नहीं है सर, आपकी जान लेने वाली यमराज की टी है। इसमें शुगर बहुत ज्यादा है। क्या सर काम नहीं है तो सीधी तरह मुझे बता सकते थे ना? इनडायरेक्टली काम पर रखने से मना करने वाला मालिक मैं पहली बार देख रहा हूँ। कंडीशन नंबर 5 ओके। आप जो कंडीशन की बात कर रहे हैं तो किसके लिए इंटरव्यू हो रहा है सर? हाँ, बताता हूँ बेटा, ये मेरी बेटी है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं और इस कंडीशन के हिसाब से एक लड़का ढूंढ रहा था मैं, उसके लिए इंटरव्यू ले रहा था। यानी मैं सिलेक्टेड हो गया? क्या कर रहे हो, मेरी बेटी पसंद नहीं आई क्या? नहीं सर, मैंने नमस्कार किया। गुस्से में नमस्कार करने वाला पहला आदमी देख रहा हूँ मैं। तेरे इस टैलेंट की वजह से तू अब मेरा दामाद है। सर डेट भी बता दे तो मंगलसूत्र का इंतजाम करूँ। जल्दबाजी मत कर, और 2 कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं वो ये तुझे बताएगा, और उनमें तू पास हो गया तो तू मेरा दामाद। थैंक यू सर। अरे विद योर परमिशन। क्या? अरे रखो यार। अरे मुत्तू जरा फिनाइल लेकर आ, ज्यादा ही चाट लिया इसने। भाई मामा ने 3-4 बार फोन किया था, जाके मिलकर आते हैं। ए, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा। अरे नारदन नायडू ने बुलाया, उससे अच्छा तो पुलिस स्टेशन ही चलते हैं। ए, जल्दी चल। दूल्हा चाहिए, कॉलम देख लो। अंदर आ सकता हूँ मामा? हा? अंदर आने के बाद पूछ रहे, बैठ जाओ। थैंक यू। कल बहुत बिजी था क्या? हाँ मामा, कल बहुत काम था। अच्छा बताइए आपने फोन क्यों किया था? तेरी शादी की बात करने के लिए। वो तो आप पापा से भी बात कर सकते हैं। मेरे बाप से बात करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। लाइफ में सेटल होने के बाद ही शादी करूंगा मामा, आपको बताया तो था। बहुत दिन से तुम यही बात कह रहे हो। ये तेरा दोस्त है, इसे बाहर जाने के लिए बोलो, कुछ पर्सनल बात करनी है। ए, तू जरा बाहर जाना। हाँ सर बोलिए। कहा ना पर्सनल? सर मैं बिना मल्टीप्लाई डिवाइड के ऐड बनाता हूँ। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है मामा, आप इसके सामने बोल सकते हैं। एक अच्छी लड़की आई है, अमीर घराने की लड़की है, अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छा परिवार है। अगर तू हाँ कर दे तो शादी की बात कर देता हूँ। लड़की की
8 कंडीशंस हैं। मामा अगर कोई लड़की कंडीशन डाल रही है तो क्या वो शादी के लायक होगी? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। आजकल की लड़कियां ऐसी ही कंडीशंस डालती हैं। मुझे उस तरह की लड़की नहीं चाहिए मामा। सर मेरा दोस्त शराफत का पुतला है, ऐसे लोगों को शादी करनी ही नहीं चाहिए। ए, मैंने शादी से मना नहीं किया, कंडीशन डालने वाले लड़की से मना किया। यानी शादी करके ही रहेगा। तो ठीक है, इस लड़की की फोटो देखने के बाद बताओ। अरे फोटो देखकर क्या होगा मामा, फोटो तो देख लो। ये लड़की तो बहुत अच्छी है। अरे बेशरम, मेरी तरफ से ओके है मामा। फिर वो 8 कंडीशंस? अरे नॉर्मल दिखने वाली लड़की 1000 कंडीशन डालती है, फिर ये तो खूबसूरत है मामा। तुझे उसकी सारी कंडीशंस बताता हूँ। डोंट यू वरी, कोई भी कंडीशन चलेगा मामा। पेटीकोट ब्लाउज के बारे में तो कोई कंडीशन नहीं डाला ना? ओके है ना? ओके। स्वामीनाथन, उमा को बुलाओ। बुला के लाता हूँ। खूबसूरत है। आगे भगवान। सर फोटो पे फिल्टर लगा के मॉडल बनाया, सामने साड़ी पहनाकर आंटी लेकर आया। अरे ये लड़की की माँ है। ओ, पुराने एड की मॉडल। उमा, तेरी लड़की के लिए मैंने एक अच्छा लड़का ढूंढा। ऐसा है क्या? कौन है पता है? पसंद आया? आप कह रहे तो अच्छा ही होगा मामा। क्यों बेटा, तुमने लड़की के लिए ओके बोला था ना? ओके। फिर से बोल। ओके। सिर्फ ओके मत बोल, सासुमा ओके बोल। ओके सासुमा। सासुमा जोर से बोल रहे। ओके सासुमा। हाँ सच में ये तेरी सासुमा ही है। आप क्या कह रहे हो मामा? हाँ, ये लक्ष्मण स्वामी का बेटा ही है। लक्ष्मण जी का बेटा? सासुमा। सासुमा को देखकर इसकी एनर्जी बढ़ गई, अब तो डबल ओके है। ऊपर वाले ने बना दी जोड़ी। सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। इसे ही कहते हैं नारदन नायडू। दामाद जी आरती लीजिए। प्रणाम प्रभु। देखा तुमने, मैंने अपनी बेटी के लिए खुद ढूंढ कर निकाला अपने दामाद को। 6 कंडीशन ओके हो गई हैं और 2 कंडीशन ही बची है, वो भी ओके हो जाएंगी। ये लड़का, अरे रे रे रे, ये तो कहीं पानी पूरी बेचने वाले जैसा लग रहा है। मुझे तो नहीं पसंद आया ये। निशा की शादी इससे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती इससे शादी? क्यों नहीं हो सकती? मैं अपना ब्रिलियंट दिमाग इस्तेमाल करके ब्रिलियंट दामाद ढूंढ कर लाया हूँ, इसलिए तो जल रही है मुझसे। दिमाग है आपका, चलता है मामा। क्या मामा वामा का नाम लेकर डरा रही है मुझे? मुझे ये सब पसंद नहीं है, चल जा। अरे निकल यहाँ से, जा बददिमाग जा। तू जा रहे? मुझसे भी टपोरी पने में बात कर रही है ये। दामाद जी देखा हमारी फैमिली का स्टैंडर्ड है। हेलो किट्टू मनी हियर। सर मैं संता बोल रहा हूँ। बोलो ना सांता, कैसी है तू? अरे नहीं सर, मैं सांता कुमार, उस दिन इंटरव्यू के लिए भीग कर आया था ना वो। ओ सांता कुमार हो क्या? सर उस ब्रोकर नायडू ने जो 2 कंडीशन बताई थी ना, उसके लिए तैयार। अच्छा ये बात है। अभी मैं कुट्टूपुरम हॉस्पिटल में अंडरवियर उतार कर एकदम ओपनली खड़ा हूँ सर। कुट्टूपुरम हॉस्पिटल? मुझे तो खुद पर पूरा विश्वास है सर, लेकिन आपको भी होना चाहिए ना। अब आप खुद भी चाहेंगे ना तो भी मैं आपको बच्चा नहीं दे पाऊंगा। मैं क्यों तेरे से बच्चा मांगूंगा यार? वो आपकी लड़की की बात थी ना। ये तो क्या कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है बॉस। मैं चाहे कमजोर भी हो जाऊं पर आज यहां से वो करवा के जाऊंगा। ये क्या कह रहा है? ऑपरेशन कराने आया हूं। सर आधे घंटे में मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, आप सारी फॉर्मेलिटीज तैयार रखिए। बॉडी कब देंगे? अरे नहीं सर, उस फॉर्मेलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, डिवोर्स पेपर की फॉर्मेलिटी उसकी बात कर रहा हूं। वो सब इजीली खत्म कर देंगे यार, अगले शुभ मुहूर्त में शादी रखते हैं। शादी? ससुर जी थैंक यू। ससुर जी एंजॉय द ऑपरेशन दामाद जी। ससुर जी, ससुर जी आई लव यू ससुर जी। क्या भाई तू टांगे फैला के क्यों चल रहा है? कनेक्शन टोटली खत्म कर दिया क्या? अंदर जा तेरा भी कट हो जाएगा। एंजॉय। ला 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 ला। हेलो स्वामीनाथ। बोलिए भगवान। कल हमने जिस लड़के को देखा था ना, वो लड़का बहुत अच्छा है यार। उसने मुझे फोन किया था, वो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन तक पहुंच गया है यार। वो कुट्टूपुरम हॉस्पिटल में हमारा इंतजार कर रहा है। बहुत सारा पानी होगा, बोट में जाना पड़ेगा, बहुत खर्चा पड़ जाएगा। अरे वहाँ का पानी तो कब का सूख गया है। ऐसा है भगवान तो मैं खुद ही जाता हूँ। हेलो दामाद भगवान, वो जो किट्टूमणि सर ने लड़के को देखा था ना, वो फैमिली प्लानिंग के लिए तैयार हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? यार मैं हिंदी में तो बता रहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो उसी को ओके कर देंगे। इस वक्त कहाँ होंगे वो? और कहाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तुम जाकर कुछ करो। स्टोरी तो आपने बता दिया, अब स्क्रीन प्ले मेरा होगा। ए डायरेक्टर चल पिक्चर बनाने का टाइम आ गया। ओके। कुत्ता पीछे ना पड़ जाए। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब।
नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते जी। फैमिली प्लानिंग हॉस्पिटल ने घर छोड़ने की नई सर्विस शुरू की है। हम कड़कती धूप में आपको घर छोड़कर आएंगे। ये बात है तो तिरुभवन तक छोड़ दीजिए मुझे। अच्छा गाड़ी कहाँ है? गाड़ी में नहीं, गैप में बिठा कर ले जाएंगे। आप विश्वास यहाँ रखिए, हम रस्ते पर रखेंगे। इस गाड़ी पर बैठूंगा सर, कहीं टाका निकल गया तो? भाई साहब पहले से ही बाइक पर बैठने की पोजीशन में खड़े हो तो टाका कैसे निकलेगा? पक्का कुछ नहीं होगा ना? अब तो कितनी भी कमर तोड़ मेहनत कर लो कुछ भी नहीं होने वाला है। हॉस्पिटल टाके की एक साल की गारंटी देता है। वाह कमाल की सर्विस है सर। आपकी बात सुनकर तो मन कर रहा है कि एक बार फिर से फैमिली प्लानिंग करवा लूं। एक बार करवाओगे तो बार बार हमारे हॉस्पिटल आओगे। बिल्कुल, अब एक बच्चे की तरह उठाकर मुझे बैठाओ। अरे नस बंद कर चुके हो, आग बंद करके बैठ जाओ। धीरे से। अरे भैया थोड़ा बर्दाश्त करो ना, अब उस पे बर्फ थोड़ी मल सकते हैं। ओहो टांका निकल रहा है सर। टांका भी निकल रहा है, रोड भी निकल रहा है, सेम पिंच सर। बधाई हो बधाई। हेलो ये कहाँ लेकर जा रहा है? मुझे तिरुपुरम में जाना है। जल्दी बाइक से उतार दिया तो टाके खुल जाएंगे, इसलिए घूम के जाना पड़ेगा। सुनो जूस खत्म हो गया है, गला सूख रहा है, कुछ पीने वीने के लिए है? जॉर्ज खास काला खट्टा पानी पिला दे इसको। देता हूँ सर, ये ले मुकुल। जूस इतना कड़वा क्यों लग रहा है? अरे तुम ही बोल रहे थे ना जलन तपन हो रही है। ये पेन किलर जूस है, जल्दी आराम मिल जाएगा। अच्छा आराम दे। ये कान में चिल्ला के दिमाग की नस मत फाड़, नहीं तो नमक लाके जख्म पे रगड़ दूंगा। ओके हेलो भगवान, आपने पूछताछ करने के लिए कहा था ना, मैंने पता लगा लिया है। वो बहुत ही खराब आदमी है। वो साधारण शांत कुमार नहीं है, चार खून किए शांत कुमार ने, बहुत बड़ा गुंडा है वो। ए स्वामीनाथ क्या बके जा रहा है? उसके अड्डे का एड्रेस मैंने आपको मोबाइल पे भेज दिया, आप खुद आके देख लेना। ठीक अभी आता हूँ, देखता हूँ उसे। मेरा ससुर और निशा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे छोड़ दो, घर जाना है, छोड़ दो। सारे डॉक्टर रेडी? रेडी, सब कुछ रेडी है। हमारा मेकअप ठीक लग रहा है? इसको मारना है क्या सर? तोड़ दूं क्या? काम करो। ये बताओ सारे डॉक्टर नंगे क्यों खड़े हैं? ये प्रोफेशनल डॉक्टर है, YMCA और ICICI से। इनकी बात मान ठीक हो जाएगा। अब क्या करना है? देख पहले तू टॉनिक पिएगा, फिर बाहर जाके सफेद शर्ट वाले आदमी से मिलेगा, उसके साथ मारामारी करने का, समझ गया? लाइट्स कैमरा एक्शन। अरे घनचक्कर गाड़ी को रोकना यार। आइए मेरे भगवान, वो अंदर ही है, आइए। अरे ये क्या, ये गुंडा ही नहीं शराबी भी है यार। देखिए ना भगवान, इतनी पढ़ाई करके क्या फायदा है, ये तो कैरेक्टर लेस है यार। सर सर शांत हो जाइए सर, सर प्लीज मारिए मत सर, क्या कर रहे हैं सर, ये शोभा नहीं देता। अरे ये कौन है नीचे जो पैर पकड़ के शराब मत पीजिए, शराब मत पीजिए सर कह रहा है? सर मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ सर, शराब मत पीजिए। वो शराब पीने वाले को पसंद ही नहीं करता, इसलिए गिड़गिड़ा रहा है। देखिए कितनी शांति से ना पीने के लिए मना कर रहा है। शराब से किसी का, इतनी मार खाने के बाद भी उसे गुस्सा नहीं आ रहा है। जरा देखो इस जमाने में भी ऐसा लड़का है। रुक जा, बस शांत हो जा। मैंने भगवान को देखा है इसके अंदर, सब कुछ अपने आप नेचुरली जिंदगी में हो रहा है। गॉड इज ग्रेट। चलिए चलिए, शांत हो जाइए सर। मुझे मत मार, शराब में डूबकर मर जा। स्वामीनाथ। हाँ भगवान। ये हमारा सांता कुमार फ्रॉड कुमार कैसे बन गया? ये एक नंबर का फ्रॉड कुमार है सर, जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी मुझे डाउट हो गया था। जेब से मशीन निकाली तो कंफर्म हो गया। एक्शन एक्शन। अरे क्या हो गया भैया, ये कहाँ ले जा रहे हैं गोदी में उठा के? कौन है ये? वाह वाह शक्ति मैन, पोस्ट मैन। जॉर्ज देश में और ऐसे लोग पैदा हो जाए ना तो कोई आत्महत्या नहीं कर पाएगा। ये हो क्या रहा है यहाँ? भाई साहब उसने गलती से गंदा मेकअप कर लिया था, खुद अपनी शक्ल नहीं देख पाई और समंदर में कूद गई। वो तो अर्जुन का जिगरा था जो बिना मेकअप का मुंह देखकर भी बचा लिया। अरे यार समंदर का बीच तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो उसे वहीं से बाहर निकलना चाहिए। भाई समंदर में सारे नाले कनेक्टेड है ना, और बीच में सरकार का काम चल रहा था इसलिए प्राइवेट नाले से निकले। ठीक है वो आ गए ना, तो उसे यहाँ उतारना चाहिए था, वहाँ क्यों लेकर जा रहे? लड़की को बचाने का फील कैसे मिलेगा? उसे नया जन्म मिला है और जन्म मिले इंसान को गोद में देना चाहिए, वो सिस्टम के मुताबिक चलने वाला आदमी है। ऐसी बात है, मैं बोलूंगा तो मानोगे? नहीं करूंगा, मत बोलो। बोलता हूँ तो बोलो ना। पिछले हफ्ते 200 टन की मछली बीच के किनारे आ गई थी। हाँ। उस मछली को उन्होंने बीच समंदर ले जाके छोड़ा। ऐसी बात है। कुछ भी नहीं है, 2 दिन पहले उसे जलपरी मिली थी। हाइट हाइट थी इसलिए घर की बाल्टी में रखा है। चल उसके लिए वाटरप्रूफ कपड़े खरीदने, वहाँ पर मेरी चड्डी भी मिलेगी ना, काचवाड़ा में मिल जाएंगे, नागपाड़ में तो मिली जाएगी। आजकल के जमाने में इतना अच्छा लड़का, कल जब हमने देखा था तो वो शराब नहीं पीता, उसे गुस्सा नहीं आता, स्विमिंग भी करता है,
तू मेरा एक काम कर, तू उसके पीछे जाकर तू उसकी पूरी डिटेल्स निकाल, उसकी पूरी कुंडली निकाल कर ला, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। सब कुछ इत्तेफाक से हो रहा है, शादी भी इत्तेफाक से हो जाएगी। सब कुछ इत्तेफाक से चल रहा है, अब तू भी चल। हे भगवान, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वामीनाथ, मुझे तुझ जैसा हीरा पहले क्यों नहीं मिला? नॉर्थ नायडू, अब संभाल हमारा नहले पे दहला। क्या रिच कर बोला था और इतना कम पेमेंट कर रहे हैं? आज एक्सप्रेशन भी दिए तूने। एक काम कर, अगले हफ्ते जुओं का ऐड करने वाला हूँ, उसमें जू की गंगी घुमाने का काम दूंगा। जा, अगली बार पेमेंट बराबर करना हो। और हमारा पेमेंट? जिस तरह का काम तुम लोगों ने किया है ना, उसके लिए पेमेंट तो क्या, पेंशन कार्ड के पीएफ भी तोड़ देना चाहिए। अर्जुन, जवान छोकरे लाने बोला था ये जवान भाई, वो रिच है तो ये युद्ध बॉयज हैं। सही है ना? बोलिए पंडित जी। मैंने नीम का पत्ता बॉयल करने के लिए रखा था, देखो हो गया अभी। नीम का उबला हुआ पानी पीने से लेट आने वाली बस भी टाइम पर आ जाती है। अरे ये सब छोड़ो ना, मैंने आप यहाँ किस लिए आए हो ये बताओ। मैंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का फंसाया। देख लेते हैं। देख कर सही है बोलो, ये कौन है? नया लग रहा है। आप कौन से नए लग रहे हैं? ये कुंडली लड़की की और ये लड़के की। क्या बात है, ऐसी कुंडली का लड़का आपको कहाँ से मिला? लेकिन क्यों? ऐसे अच्छे ग्रह दशा वाली कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा? इस कुंडली के मुताबिक आपने अपनी बेटी के लिए किसी और लड़के को जरूर देखा होगा। हाँ। अगर आपने उस लड़के से शादी करवाई होती तो आपका वंश कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि ये बर्थ कंट्रोल में पैदा हुआ लड़का है। ऐसे बोल रहे हो जैसे साथ में काम करते हो। ये भी नारद नायडू का आदमी है क्या? आप इतना एक्यूरेट कैसे बता सकते हैं? अरे मैं कहाँ बता रहा हूँ, कुंडली बता रही है। कुंडली कुंडली क्या कहती है, शादी होगी? क्या मैच करें, इस कुंडली को मैच करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस मामले को लंबा खींचे बिना इसी महीने के 15 तारीख को अच्छा मुहूर्त है, शादी करवा दीजिए। शुभम भवतु, पिछली बार की तरह एक नोट मत देना। ठीक है, है? क्या सर, दो नोट दे रहे हैं? ओह आई एम सॉरी। देख रहे हो? मैं तो लूट गया। हाय बेटे। हाय पापा। क्या बात है, अकेली एंग्री बर्ड खेल रही है? आप भी साथ में खेलेंगे? मेरी बर्ड के साथ खेलने वाला दूसरा बर्ड मिल गया मुझे, देख। मैं इस लड़के की बात कर रहा हूँ। दिखता तो ठीक है। थैंक यू, मेरा सिलेक्शन है ना। लेकिन मेरे लिए मेरी कंडीशन जरूरी है। okay. इसीलिए इससे मिलने के बाद मैं अपना डिसीजन बताऊंगी। okay, चल अभी मिलकर आते हैं ना। आप साथ में क्यों आ रहे हैं? क्यों? मैं खुद देख लूंगी। ठीक है, अच्छी तरह से देख लेना। हाय। हाय निशा। सिट। मेरे फ्रेंड्स रोशन, जेनी, चंद्रा। हाय। हाय। तो मेरे पापा ने सारी कंडीशंस तो बता ही दी होंगी। हाँ। शादी के बाद भी मैं अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज करूंगी, घूमूंगी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी बीवी के कंधे पर हाथ रखता है बेशरम कहीं का। अरे जब ये आपके दोस्त हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एतराज नहीं। और मैं बच्चे भी नहीं चाहती, आप इसके लिए राजी हैं? हम बच्चा गोद ले लेंगे। वेरी गुड। डिवोर्स पेपर्स पर साइन भी करने होंगे? मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है, तुम भी एक बार देख लो। ओके थैंक्स। तो फिर शादी के लिए हाँ है ना? डबल ओके। एक्शन कट। अरे कट करो। ओके कंटिन्यू। मुबारक हो। अरे हाथ मिला लो, नागर आया। वो आंसू क्यों बह रही है? अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में हुई है, खुश होना चाहिए हमें तो। मुझे अपनी बेटी की चिंता नहीं, दामाद की चिंता हो रही है। मेरा मजाक उड़ा रही है। अरे निशा, मुझे ये सब पसंद नहीं है, बैठ जाओ। मैंने तुमसे ये सब उम्मीद नहीं किया था। भले ही मैंने कंडीशन रखी है, पर आपको जानने के बाद शादी की है। थैंक यू। और फर्स्ट नाइट है इसीलिए थोड़ा टेंशन में हूँ। ऐसा है क्या? मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? फिल्मों में मैंने इस तरह के बहुत सारे सीन्स देखे हैं। सिर्फ फिल्मों में ही ना? थैंक गॉड। निशा लाइट ऑफ करूँ क्या? ओह, मुझे अंधेरे में डर लगता है। मुझे तो सब चलेगा। एक्शन। अरे ये तो मेरे साथ क्या काम करने वाला था। सॉरी मामा, आपको निशा समझ लिया। क्या? अच्छा हुआ मैंने पैंट पहनी हुई थी, वरना मेरी तो इज्जत ही लुट जाती। क्या मामा, हमेशा मजाक करते रहते हैं। अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ। ए, तेरे अंदर जो आग लगी है ना, मैं सब समझ रहा हूँ। ओके मामा। ए, रुक जा, तैयार होकर जा। अरे फर्स्ट नाइट के लिए धोती जरूरी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है, तू अभी जल्दी जा। अरे मुझे शर्म आ रही है। शर्मा मत,
जा जाकर किला फतेह कर। थैंक यू मामा। मुझे बोल रहा है damn it, अब जाना। ओके मामा। रुक जा एक मिनट। क्या मामा? A small gift. थैंक यू मामा। इतना लेट क्यों हो गए दामाद जी? निशा वेट कर रही है। धोती पहन रहा था ना सासू माँ। ये सही कह रहा है, इसके लिए ये अंडरवेयर में आता क्या? ठीक है दामाद जी, आप अंदर जाइए। दामाद जी वो छठी कंडीशन भूलना मत। हाँ ससुर जी, आपकी बेटी भले भूल जाए लेकिन मैं नहीं। ओए तू अब तक निकला नहीं? सब सेटल तो हो गया ना? अरे भगवान, आपने सोचा दूसरे ब्रोकर की तरह शादी करवाने के बाद मैं भाग जाऊंगा? शादी करवाई है तो सुहागरात भी करके ही जाऊंगा। अरे ऐसे नहीं, सुहागरात की रस्म के हिसाब से कमरे तक भेजने की मेरी जिम्मेदारी है। भगवान आप लोग अभी चलिए, मैं इनको कमरे तक पहुंचा के ना फिर आपको आके मिलता हूँ। ठीक है मामा। हाँ तू चल। ये क्या यार, तू भी मामा बोल रहा है, ये भी मामा बोल रहे, कहीं मामा तो नहीं बना रहे? आप मामा के मामा है। समझ गया मैं, अब तू भी निकल। निशा, निशा अरे कहाँ छुप कर बैठी हो? वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। पास नहीं आना, पास नहीं आना, काटना मत नहीं तो मैं एक खींच के दूंगा तुझे। पास नहीं आना, काटना मत, क्यों चिल्ला रही है? निशा तुम्हें कुछ नहीं करेगी, सिर्फ डोर ओपन करो चली जाएगी। डोर ओपन करने से चला जाएगा ना? ए स्कूबी चलो जाओ। स्कूबी जाओ जाओ। निशा मैंने तो सोचा था कि तुम शादी की ड्रेस पहनी होगी, लेकिन तुम इस ड्रेस में। वो सब पहनने में मुझे 2 घंटे लगे, उसके बाद उसे रिमूव करने में 1 घंटा लगेगा, इसीलिए मैंने ये ड्रेस पहनी है और मैं इसमें बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। मेरे लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। तुम प्रिपेयर हो लेकिन तुम्हारा बाप बहुत कंजूसी कर रहा है, रूम में देखो ना एक फूल नहीं है। हेलो, वो सब मुझे पसंद नहीं है इसीलिए। नॉट ओनली दैट, आई डोंट लाइक दीज ऑल फॉर्मेलिटीज। स्टेप बाय स्टेप जाने से कोई फायदा नहीं, सीधा एक्शन लेते हैं। निशा लाइट ऑफ कर दें क्या? मैं भी यही बोलने वाली थी। अरे निकाल जेब से, कहाँ गया? अरे निशा इतनी जल्दी सो रही हो? बाकी सब क्या है? बाकी सब गुड नाइट। गुड नाइट। अरे रे रे, ये क्या हो गया, फर्स्ट नाइट इतनी जल्दी खत्म हो गया? सोते वक्त मुझे ये डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। जरूरी कॉल है। हेलो, क्या रे एक ही रिंग में फोन उठा लिया? लाइव वीडियो पोस्ट कर रहा था क्या? अरे चुप यार, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? बोल रही थी कि बहुत थक गई है। क्या थक गई है? अरे इससे अच्छा हमारे साथ रात बिताता, कम से कम जॉर्ज पिलाता तो सही। हाँ यार एकदम सही बोल रहा है, मिस यू गाइस। अब तू ही बता मैं क्या करूं। रुक सोच के कुछ बताता हूँ। आइडिया, एक तकिया ले और बीच में रख के सो जा। ओके तू अपना मुंह बंद कर, तू जा तकिए के साथ सो जा। देखा, हमसे पहले शादी करने चला था, कुवारों की हाय लगी उसको, कुछ नहीं हुआ आज। अबे कंट्रोल। ए तू अभी तक डोसा बना रही है? दामाद जी को कॉफी दी कि नहीं? नहीं मालकिन। क्यों? वो तमाशा आप ही जाकर देखो। तमाशा? तू ये क्या बोल रही है? आप खुद ही जाके देख लो। क्या बोल रही है ये? निशा, निशा उठ जा। क्या हुआ? जल्दी उठ। दामाद जी बाहर क्यों सो रहे बता? रात में कोई फोन आया था, वो बाहर चले गए, उसके बाद का मुझे नहीं पता, उससे ही जाकर पूछना पड़ेगा। अच्छा मजाक कर रही है? तेरी सारी कंडीशंस ओके करवा के इस लड़के से शादी करवाई, फिर भी तेरे नखरे नहीं गए? मम्मी मैं थक गई थी इसीलिए सो गई। हर चीज का मुहूर्त होता है, कैसे समझाऊं तुझे? हाँ मम्मी सुबह सुबह इरिटेट मत करो ना। तू ऐसे ही नाटक करेगी मुझे अच्छी तरह से पता था। अर्जुन, अर्जुन उठो अर्जुन। यहाँ क्यों सोए हो? अंदर सोना चाहिए था। क्यों? अंदर सोता तो क्या होता? मैं अच्छी तरह समझती हूँ अर्जुन, एक सरप्राइज है। क्या? आज ही रात को तुम दोनों बाहर जा रहे हो हनीमून के लिए। या कोडाईकनाल? विदेश जा रहे हो। अरे सासू माँ आप कितनी अच्छी हैं, वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है जल्दी तैयार होके आ जाओ। ओके निशा जल्दी आओ बेटा, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, जल्दी आओ। उमा ये लोग निकलने के लिए तैयार है क्या? हाँ हाँ देखिए आ रहे हैं। सुपर। क्या दामाद जी टिकट पासपोर्ट सब कुछ ले लिया ना? सब कुछ ले लिया। पहुंचने के बाद मत कहना कि पासपोर्ट घर भूल गया, हम लोग ला कर नहीं दे सकते। वो सब मैं देख लूंगा ससुर। दामाद जी पैंट एकदम अच्छी है। ये क्या बेटी तूने ऐसी फटी हुई पैंट पहनी? ये स्टाइल है। अच्छा स्टाइल है, तू एक ब्लेड लेकर आ, मैं भी अपनी पैंट फाड़ लेता ससुर जी। नहीं मालूम क्या निशा, तेरा कंडीशन नंबर 6 प्लान बी, अब रोज जाके दामाद जी को भूखा मत रखना, समझ गई ना? ओके मम्मी। ओके
ए निशा टाइम हो गया आप चलें। दामाद जी निकलने के लिए बेसब्र हो रहे हैं, चलो मैं भी आता हूँ। चलो आप कहाँ जा रहे हैं? इन लोगों के साथ हनीमून के लिए थोड़ी जा रहा हूँ मैं, एक जरूरी काम है, मैं इन लोगों को रास्ते में ड्रॉप करके निकल जाऊंगा। बाय मम्मी। उससे क्या इतना प्यार कर रही हो, चलो तुम। ये क्या मालकिन, बच्चा ना होने के लिए आप खुद ही दवा दे रही हो? ए मुझे सब पता है, जा जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आ। भगवान जहाँ आपने सोचा था वहीं आपने शादी करवा दी। लाइफ में इतना सारा पैसा मैंने एक साथ कभी नहीं देखा है, ये सब कुछ आपका है, रख लो। सब कुछ रख लिया आपने? क्यों रे, भगवान नहीं लेगा यही सोचकर तुम लोग ऑफर करते हो ना, ये रख ले, संभाल कर रखना। ओके, वरना कभी ना कभी तुझे ये वापस देना पड़ेगा। तू मेरे पैर क्यों पड़ रहा है? मैं पैर पड़ूंगा, वो भी आपके। कौन? नायडू सर, किसी भी हाल में ये किट्टो मणि आपका पैर नहीं पकड़ेगा। क्या नायडू सर, मुझसे डर के अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हो? किट्टो मणि, 4 साल से तू बेवकूफ बनी रहा है। हाँ नायडू सर, मैं मानता हूँ अपनी शादी में मैं बेवकूफ मनी ही था, लेकिन अपनी बेटी के मामले में बिना किसी की मदद के उसके 8 कंडीशंस को मानने वाले दामाद से अपनी बेटी की शादी करवा दी है मैंने, और मैंने जो दामाद ढूंढा है वो ऐरा गैरा नहीं, हीरा दामाद है। बहुत खुशी की बात, लेकिन तू अभी इधर क्यों आया? मैं यहाँ क्यों आया था? तू भूल गया क्या? हाँ याद आ गया मुझे, उस दिन तो आपने बड़े बड़े शब्दों में मुझे चैलेंज कर दिया था ना कि आप ही मेरी बेटी की शादी करवाएंगे, तो फिर अभी क्या हो गया? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपसे भी बेहतर ईमानदार और वफादार शादी के ब्रोकर को पकड़कर, उसका नाम क्या था? तेरा नाम क्या है? स्वामीनाथन। स्वामीनाथ, उसी के जरिए मैंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाई है, वो आपसे भी लाख गुना बेहतर है, इस दुनिया को चैलेंज है मेरा, चलता हूँ नायडू सर। भगवान मैंने इतना भोला इंसान आज तक नहीं देखा। सुन, अगर वो नादान नहीं होता तो तुझे 50,000 देता। उसने मुझे देख तो नहीं लिया था? अरे बेवकूफ, मेरे पीछे इतना बड़ा फोटो है, उस फोटो में तू है और मैं हूँ, उसे ही नहीं देखा तो तुझे कहाँ से देख लेगा? देख, 34 सालों से वो बेवकूफ बनने के लिए उतावला है और मैं उसको बेवकूफ बनाता जा रहा हूँ। और दामाद जी, अब्रॉड में हनीमून कैसा था? इतना बेकार था। अरे मुंह में मिर्ची आ गया था, बहुत मजा आया। एक बात बताइए, शादी करके कई कपल्स बैंकॉक जाते हैं हनीमून के लिए, लेकिन उनके चेहरे पर बदलाव क्यों नहीं आता है? वो हमेशा से ऐसे ही है। दामाद जी से कैसे बात करते पता नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, और कल सेलम बाबू के घर में शादी है तो हम जाकर आते हैं। अरे अरे, ऑलरेडी 1 हफ्ते की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी हैं। 1 वीक की और छुट्टी ले लो ना, अपना ही तो ऑफिस है। आज रात शिपमेंट भी है, मुझसे नहीं होगा, प्लीज आप जाकर आइए। ये क्या है, अकेले छोड़ दो इन्हें। ठीक है, हम दोनों ही जाकर आते हैं। दामाद जी आपको कुछ काम है क्या? शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे और कोई काम नहीं है। हाँ ऐसे ही बेरोजगार रहोगे तो आपको मेरी बेटी पसंद करती रहेगी। आप अच्छी तरह से घर को संभाल लो, हम काम जाकर आते हैं। तब तक हमारे घर में जो है ना, कुत्ता, पक्षी, खरगोश, वो लव बर्ड और बहुत सारी चीजें हैं, और इस काम वाले को भी आप संभाल। ये क्या बोल रहे हो, दामाद जी से कैसे बात करते पता नहीं? सॉरी दामाद जी, काम वाले को मैं संभाल। सुनिए, हेलो दोस्त के नाम पे धब्बे, तू तो कंजूसों का भी बाप निकला यार, दोस्तों को पार्टी ना देनी पड़े इसलिए हमारा फोन ही नहीं उठा रहा। मैं हनीमून के लिए अब्रॉड गया था, तुझे 2-3 बार फोन किया था मैंने, बट नॉट रीचेबल था। अब्रॉड कोई नया शहर है? हाँ यार, कल ही वापस आया हूँ। दोस्तों के लिए कुछ लाया है नहीं? ए ऐसा कभी हुआ है क्या, दो स्कॉच की बोतल लाया हूँ, घर में कोई नहीं है। एक काम कर, तू जॉर्ज को लेकर घर आ जा, एंजॉय करते हैं। दोस्त आज तूने दोस्ती साबित कर दी। क्या कड़क चीज लाया है, मान गया यार तुझे, ले गाजर खा, खरगोश की तरह उछलेगा। थू, क्या यार, सोचा चखने के लिए कुछ सॉलिड लेकर आएगा, अंग्रेजी स्कॉच लेकर आया हूँ, कुछ नॉनवेज होना चाहिए था। रुक, अभी तुझे चिकन खिलाता हूँ, अंडे में से निकाल के लाता हूँ। हाँ तू रुक, मैं अभी लेकर आया। अभी तेरे को चिकन कहाँ मिलेगा रे? मुर्गी नहीं मिली तो मुर्गी का अंडा लेकर आऊंगा, पर चिकन निकाल के रहूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं लेकर आता हूँ तंदूरी। दोस्त जो मांगेगा उसको लाके दूंगा, मैं हूँ सबसे अच्छा। कहाँ चला गया था तू? अरे तूने तो मांगा था वही लेकर आया हूँ। क्या? अरे चिकन रे। क्या पता कितने होटलों में घुस के प्लेटों में बचा हुआ चिकन लाया, जमा करके, अब खा लो, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट चिकन, चबा के खा, निगल मत लेना। कैसा लगा? अच्छा है ना दोस्त, इसे खाते मजा आ गया यार।
किसे समझ में नहीं आया कि मैंने इसे खरगोश खिला दिया? कुछ नहीं, तू खा, आराम से खा, टेंशन मत ले। ए, मुझे एक प्लेट और मिलेगा क्या? अरे मेरे लिए भी एक प्लेट ला। एक और प्लेट चाहिए। अरे यार ऐसे भुक्कड़ दोस्त मुझे ही मिल रहे थे क्या? कुछ मैं भी साथ चलूं क्या? ए, कौन है रे हॉर्न मार रहा है? घर की घंटी क्यों नहीं बजाता? मेरी बीवी आ गई, जल्दी निकल यार, चल चल। सोता नू क्या? जो उसको घर आता देख भाग जाओ यहाँ से। क्या बात कर रहा है? सीन टू एट मत कर, मार मत। चले जॉर्ज, चल घर यार, तेरे को भी जा यार, जा यार, इसे उठा कर लेके जाओ, जा जा। अरे जा जॉर्ज। अर्जुन क्या हुआ? अपने बेडरूम में सोने के बजाय यहाँ सो रहे हो? वहाँ सोता हूँ तो नींद ही नहीं आती है मुझे। क्यों? मेरे दुपट्टे को चेहरे पर बांधकर सो रहे हो? बीवी का दुपट्टा चेहरे पर बांधकर सोने से बच्चा नहीं होगा, ऐसा एक ज्योतिषी ने कहा है। ऐसा है? हाँ। तो अच्छे से बांध लो। ओके। मैं तुम्हारी वजह से जल्दी आई। अर्जुन अर्जुन सुना था कि शराब परिवार को बिगाड़ता है, देखा ना मेरा क्या बिगाड़ दिया। हाय निशा। हे हाय। हाय हाय चंद्रा। हाय बेबी, कैसा है? हाय। हे कैसे हो भाई? फाइन। हाँ सुना, कामकाज कैसे चल रहा है? ये ब्लैक कलर तो तुमको सूट कर रहा है। हे अर्जुन कैसा है? ही इज फाइन, गुड गाय। मुझे उसकी एक बात बहुत पसंद है, वो हमेशा ऑनेस्ट रहता है और मेरी कंडीशंस के लिए एकदम परफेक्ट है। हनीमून कैसा था? एकदम अच्छा रहा। निशा ने क्या कहा? निशा तो बहुत कुछ बोलती है, सब थोड़ी बता सकता हूँ। भाई कुछ पियोगे ना? अरे मुझे इन सब की आदत नहीं है, वैसे निशा को भी शराब पसंद नहीं है। ब्रदर उसे मैं संभाल लूंगा, निशा से मैं जो भी कहूंगा वो मान जाएगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हैं। एक मिनट ब्रदर। हाँ दोस्त। क्या दूसरे की बीवी के बारे में उसने गलत बोला तो तूने चप्पल मारकर उसके मुंह काला कर दिया? ए क्या करता है यार। अच्छा तू फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ब्रदर कुछ कह रहे थे? क्या मैं आपका फोन देख सकता हूँ? बैटरी बहुत लो है ब्रदर। कोई बात नहीं, यू डोंट वरी, हम दोनों एक सेल्फी ले लें क्या? ठीक है यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा स्माइल तो करो ब्रदर, कम ऑन स्माइल तो करो। रोशन अर्जुन, कम ऑन अर्जुन, लगता है उसे स्विमिंग नहीं आती। अरे इसे कोई बचाओ तो अर्जुन, स्विमिंग। अर्जुन तुम्हें तैरना नहीं आता? तुमने मुझसे झूठ बोला। आता है निशा, लेकिन यहाँ पानी थोड़ा कम है ना, इसीलिए तैरने का दिल नहीं किया। अर्जुन बकवास मत करो, तुम क्या बोले जा रहे हो? सच बताओ तुम्हें तैरना आता है कि नहीं? सच बताओ आता है कि नहीं? मुझे नहीं आता निशा। निशा निशा सॉरी ब्रदर, ये तुम्हारा फोन, प्लीज गो अवे। निशा दिखता नहीं है क्या? हेलो। हाँ कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में? पापा आपको इतनी चोट कैसे लगी? शादी के बाद तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया बेटा, इसलिए मैं तुम्हें देखने ही आ रहा था बेटा। ऐसा नहीं है पापा, मैं इस शहर में नहीं था, मैंने आपको एक दो बार फोन भी किया था,
सिस्टर घबराने की बात नहीं, नहीं है नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, बस हल्की सी चोट है। जिसने भी एक्सीडेंट किया अगर मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पास में ही वो मैडम बैठी है, उन्होंने ही किया है। निशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा है? अरे मेरे नहीं तो क्या तुम्हारे पापा है? वो जिंदा है क्या ये पूछ रही हूँ? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले देखो पापा को क्या हुआ। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, उसके बाद तेरे पापा से मिलेंगे। ए अर्जुन। अच्छा तुम्हें गुस्सा भी आता है? अब गुस्सा नहीं आएगा, मुझे तो फिर कब आएगा? ए, तुझे तो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मा जी, अर्जुन अनजाने में इससे एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए आप इस पर हाथ उठा रहे हैं? साले साहब। अरे कमीने तू यहाँ? भाई साहब आ जाओ। भाई साहब तुम लोग मुझसे चाहे जितना भी नाराज हो लेकिन पूरी फैमिली मुझे मिलने आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ए, कौन किसका साला है बे? मुझे पता होता कि तेरा एक्सीडेंट हुआ है तो अपनी बेटी से कहकर लॉरी चढ़वा देता। अच्छी तरह से डांटिए, शादी के बाद एक बार भी मिलने नहीं आया मुझसे। पापा अब चुप हो जाइए। तो के बाज, ये तेरा बाप है तो इसका बेटा है? क्यों बे, बार बार तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाए जा रहे हो। आप मुझसे कितना प्यार करते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। ये रामा स्वामी है कि लक्ष्मण स्वामी है? अरे ये लक्ष्मण स्वामी है ना। तब तो मैं इसे डांट सकता हूँ। तेरी तो मिलने नहीं आया तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। मारिए मुझे, मारिए। मेरा हाथ छोड़ेगा तभी तो मार पाऊंगा तुझे। रुको, क्या कर रहे हो? ओ तो ये सब तेरा प्लान है क्या? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे तेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसी एक्टिंग की जा रही और मैं जो बोल रहा हूँ वो उसके कान तक पहुँच ही नहीं रहा है। खतरनाक एक्टर हो तुम लोग, मेरे साथ ही तुम लोग ड्रामा कर रहे हो। जी क्या बे, मेरे पापा को ठीक से सुनाई नहीं देता? ठीक से सुनाई नहीं देता या बिल्कुल सुनाई नहीं देता? कहना पड़ेगा इससे अच्छा तो इसका बाप था। मतलब मेरे दादाजी को भी सुनाई नहीं देता? तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे तेरे बाप ने पद्मश्री अवार्ड जीत लिया। भैया कैसे हैं भैया, आपको देखे कितने साल हो गए। ए, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ नेता की तरह गला फाड़ फाड़ कर भाषण दिए जा रहा हूँ लेकिन इसको एक शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर इसके कानों में इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रही है तू? जाने दीजिए ना साले साहब, इतने साल हो गए बहन की आवाज नहीं सुनी मैंने। तुम बात करो, तुम्हारा भैया तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है। तू देखेगा बोल, अगर सुनेगा बोला ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब बस भी करो, इसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो इज्जत उतार लूंगी। उतरने के लिए मेरी इज्जत बची कहाँ है? जिस मनहूस दिन तुमसे मेरी शादी हुई थी ना तभी मेरी पूरी इज्जत मान मर्यादा सब कुछ चली गई। मेरी बेटी की शादी के बाद तो मैं पूरा कंगाली हो गया हूँ। तुम सब लोग शादी के माफिया गैंग हो, तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। चलो निशा चलते हैं, हम इन गधों में से एक भी गधा हमारे घर पर नहीं आना चाहिए। चलो हम चलते हैं। साले साहब। पापा इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे बेटी, तू फिक्र मत कर। सासुमा आप भी जाइए, मैं हूँ ना पापा के साथ। ठीक है, पापा को लेकर कल सुबह घर आ जाना, जो भी प्रॉब्लम होगी हम देख लेंगे। ठीक है पापा, मैं सासुमा को छोड़कर अभी आया। ससुर जी, ससुर जी, किट्टू माने ससुर जी। ससुर जी। कौन है रे तो? क्या ससुर जी, मुझे भूल गए क्या? ससुर जी हैं? अंदर एक साला बोल रहा है, बाहर एक ससुर जी बोल रहा है, यहाँ चल क्या रहा है पापा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटी, मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ। ससुर जी, आपने शांता कुमार को दामाद के लिए सेलेक्ट किया था ना, वो मैं ही हूँ। क्या बोल रहा है ये? क्या कहाँ भाग रहा है तू? ससुर जी, किट्टू ससुर जी, वो एक नंबर का फ्रॉड है ससुर जी। तू उसे जानता है क्या? ससुर जी, उसने और उसके दोस्तों ने मुझे धोखे से शराब पिलाकर मेरा टांका डैमेज कर दिया। ससुर जी, सिर्फ एक टांका फटने से तू इतना शोर मचा रहा है, जब मुझसे पैसे लेकर एम्ब्रॉयडरी करा ले। ओ ससुर जी जरा कान इधर लाइए। इन लोगों ने प्लान बनाकर मुझे बेवकूफ बनाया है, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ससुर जी वो सब जाने दीजिए, ये बताइए हमारी शादी कब करवा रहे हैं? अरे इसकी और अर्जुन की शादी हो चुकी है यार। कोई बात नहीं, देखा जाए तो पहला दामाद तो मैं ही हूँ ना। निशा बेबी, निशा बेबी तुम एक काम करो, तुम उसे डिवोर्स देकर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। बेवकूफ कहीं का, चलिए पापा। फूट गया बल्ब। ये स्वामीनाथ कहाँ है तू? नायडू के साथ एक फंक्शन में आया हूँ। चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या काम है तेरा? किट्टू मणि के साथ एक जरूरी मीटिंग है, ऐसा बोलकर जल्दी से आ जा। अरे मैं गड़बड़ करता हूँ और ये हमेशा संभाल लेता है। हेलो बताइए भगवान, बात क्या है? ये भगवान खुद ही हिला हुआ है। मैं समझा नहीं भगवान। कुल मिलाकर हमें बेवकूफ बना दिया है। चिंता मत कीजिए भगवान, 10 मिनट में आपके सामने रहूंगा। भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। 11:30 मिनट में पहुँचता हूँ। वो
वहीं पर रुक जाओ आतंकवादी लोग, कल का रखा हुआ बम फटाने इसलिए वापस रखने के लिए आए हो क्या? फ्रॉड कहीं गए? साले साहब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चोट नहीं लगी। अरे ये बिना उमा इन दोनों को बाहर जाने के लिए कहो। कॉफी वगैरह नहीं चाहिए, आते समय पीकर आया हूँ मैं, आप पी लीजिए साले साहब। ओए ये तबला बजाना बंद कर, इतनी ताल बजाइए कि इससे हजार गाने कंपोज कर लेता। बाद में बजाइएगा, इनको आदत हो गई है ससुर जी। क्या ये यहाँ आकर भी तुम लोग नाटक कर रहे हो? इस बहरे को यहाँ लाकर फिर से लफड़ा करना चाहते हो क्या? ससुर जी आपको गुस्सा समझता हूँ, मैंने जो किया वो गलती है, लेकिन आपको धोखा देने के लिए नहीं। आप जानते हैं हुआ क्या है? अभी क्या होने वाला है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोगों को कैसे भगाता हूँ वो देख। अब इस हंटर से बचकर अपने आप को बहुत छाने समझते हो तुम लोग। अब देखो इसके बाद एक और लग गई तो यही मर जाऊंगा मैं। भगवान भगवान इस बरगद के पेड़ को ही हिला दिया। अरे जड़ से ही उखाड़ दिया। ऐसा क्या क्या हुआ बताइए। देख सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बना दिया। ये बेवकूफ बनाया चलेगा, लेकिन मेरे भगवान को बेवकूफ बनाया, इसके पहले क्या सीन हुआ है पता है? ए क्या हुआ रे? ए ये ससुर और दामाद के बीच की बात है, तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? अरे ये क्या उल्टा सीधा बाउंसर डाल रहा है, तुम्हारी शादी करवाने वाला ब्रोकर हूँ मैं। ब्रोकर नहीं मामू। बिल्कुल सही कह रहे हो दामाद जी आप। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मेरे शेर को छेड़ के दिखाओ। क्या हुआ? पीछे देख सा। पीछे तो कुछ भी नहीं है। अरे शर्ट उठा कर दे। अच्छा नहीं लगेगा। कैप्टन क्या एक्स डाला है, लगता है ए टू जेड से शुरू किया होगा, अब ये वाई जेड कहाँ डालेगा कैप्टन? तेरी पीठ में डालो। क्या मेरी पीठ इतनी मजबूत नहीं है? भगवान बहुत हो गया, अब अपना रूप दिखाओ। दिखाता हूँ रे दिखाता हूँ। अरे स्टाइल बंद करो, पहले कमाल दिखाओ। ओ अच्छा ऐसी बात है। ए लक्ष्मण स्वामी रुकिए, मेरे भैया पर हाथ उठाएंगे आप? इतनी हिम्मत आ गई आप में? मामी मार पापा का हाथ छोड़िए आप, ये सब चल क्या रहा है? ए तू ही बता। अब फिर शुरू से करना पड़ेगा, अब भगवान का शरीर सह नहीं पाएगा, पहली एक्स उनकी पीठ पे बना हुआ है, वो एक्समैन हो गया है। नॉनसेंस, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, मेरे घर से चले जाओ। मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, खैर छोड़ो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। बेइज्जती दामाद जी इससे क्या बहस कर रहे हैं, जिनको यहाँ रहना है वो रह सकता है, जिनको नहीं रहना वो निकल जाए। ये मेरा घर है, तू जा यहाँ से बाहर। मेरे नाम पर है ये घर जानते हो ना? मम्मी आप ये क्या बोल रही है? ए तू क्यों चिल्ला रही है, मेरे भैया को परेशान करोगे और मैं सुन लूंगी? ये मेरे भैया है और ये मेरे दामाद, ये लोग यहीं रहेंगे, बोल देती हूँ। मेरा बेटा बहुत सीधा है, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन कभी कभार पीता जरूर है। अगर कभी पीकर उसने लफड़ा किया हो तो माफ कर दो उसे बेटा। तेरी तो भगवान ये सब लोग कहाँ चले गए? पापा व्हाट इज दिस, 34 साल पहले ऐसी कंफ्यूजन से मुझे भी फंसा दिया। मैंने तो वो देखा ही नहीं सर। इसकी डीवीडी दुकान में मिलेगी, मेरे पास प्लेयर नहीं है। अभी ये सब जरूरी है क्या? मेरी बेटी को पागल बना दिया इन लोगों ने। बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या चल रहा है ये? इन लोगों का परिवार ऐसा ही है बेटी, ये यही कर सकते हैं। खाने से पहले खाने वाली दवाई कहाँ है? सवाल पूछने पर अपने पति के सर पर पत्नी ने पत्थर दे मारा, हिम्मत वाली है। ये क्या पराठा रख रही है, रात को कोई पराठा खाता है क्या? जो भी सामने है चुपचाप खा लो, जो भी पूछो उसका इनडायरेक्टली जवाब आ रहा है, इसका पूरा परिवार ही बह रहा है। पराठा खाकर मरने से अच्छा है कि मैं भूखा ही मर जाऊं। सॉरी मालिक, तुम लोग ही खा लो। मालकिन आप तो थोड़ा खा लो। उनके खाए बिना मैंने कभी खाया है क्या? निशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब आपको क्या चाहिए? मैंने सुबह ही नाश्ता कर लिया बेटा, मेरे बेटे में थोड़ा सा बचपना है लेकिन दिल से बहुत अच्छा है वो। मैंने मेरे हाथों से मंगलसूत्र खरीदा था तुम दोनों की शादी के लिए, सदा सुहागन रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। जीते रहो बेटा। मेरी शादी में आपने उसको मंगलसूत्र दिया था? अभी अभी जो तुमने कहा ना, मेरे बेटे को तुम हमेशा खुश रखोगी, मेरे लिए वही काफी है बेटा, वही काफी है मेरे लिए, अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। लीजिए लीजिए बांधिए मंगलसूत्र, अभी से आप पति पत्नी हो, चलो अब विवाह संपन्न हुआ। बेटी सदा सुहागन रहो। आशा आशा अभी आई मालकिन। शांति कहाँ है? शांति यहीं कहीं होगी मालकिन। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना वो? पता नहीं मालकिन। सच सच बताओ मालकिन, वो उस दिन दामाद जी के फ्रेंड्स आए थे ना, तब से शांति लापता है। मैंने बड़ी मालकिन को भी बताया था, उन्होंने कहा था कि आपको ना बताऊं।
तुम क्या करोगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सब मेरे सामने खड़े होने चाहिए। ठीक है मालकिन। उसने तो बोला था डिसेंट लड़की है, ये तो बनियान पहनकर घूम रही है। शांति कहाँ है? कौन इसकी गर्लफ्रेंड? 3 महीना पहले इसको छोड़ के चली गई। मैं खरगोश की बात कर रही हूँ। अरे तू यहीं पर तो है, चश्मा लग गया है क्या तुम्हें? ए, हेयर ऑयल के ऐड के लिए एक टकले को ढूंढना है, जल्दी। जवाब देकर जाओ तुम लोग। कुल मिलाकर यहाँ 4 खरगोश थे, एक कहाँ गया? अरे ये वही तो है। शराफत से बात करो, तेरे दोस्तों के आने के बाद ही मेरा खरगोश गायब हुआ है। निशा, ये लोग दिखने में भले चोर जैसे लेकिन चोर है नहीं। मुझे यकीन है कि इन्हीं लोगों ने खरगोश चुराया है। भाभी जी, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है, खानदानी शिकारी लोग हैं, समझी? मेरे दादाजी डायनोसर का कान पकड़ के खींच लेते थे। और मेरे नाना उसकी टांग पकड़ लेते थे यार। और शेर मिलता उसके साथ पंजा लड़ाते थे। मेरी दादी शेर की खाल उखाड़ देती थी। मेरी नानी सांप को साड़ी पहनाती थी, भालू की पॉटी साफ करके देती थी। अच्छा सच में, तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो चल बाहर में बता। ये मेरी शांति का पेंडेंट है। शांति का पेंडेंट? भाभी जी एक बार फिर खींचिए, शायद शांति भी निकल आए। बहुत गलत किया तुम लोगों ने। तुम लोगों पर मैं इतना यकीन करता था और तुमने निशा के चहेते खरगोश को चुरा लिया। शर्म करो। ए, जोश में ज्यादा होश मत खो अर्जुन। क्या रे, अपनी बीवी के सामने ज्यादा फूल दे रहा क्या? ऑफ कोर्स। ए, तेरे खरगोश को खाकर अपना पेट भरे हम, इतने कमीने नहीं हम। समझा क्या? चुप बैठो, तुम लोगों के बारे में मुझे पता नहीं है क्या? मासूम है मेरी निशा, इसे देख कर कितना दुख हो रहा है। वो खरगोश तो इससे भी ज्यादा मासूम था। मासूम था तो उस दिन चिकन समझ कर चाट चाट के क्यों खा रहा था? तब सोचना चाहिए था कि जो मैं खा रहा हूँ वो कोई चिकन नहीं, प्यारी निशा का खरगोश गोश है। चखने के लिए कुछ भी करूंगा। ए, क्या बोल रहे तू? ए पापी लोग, तुमने उसे मार डाला। निशा छोड़ो, भाग जा, भाग जा। क्या कर रही है निशा? मुझे पहले पता होता कि वो खरगोश तुम्हारा है तो मैं उसे कभी नहीं खाता। हाय चंद्रा, क्या हो गया है तुम्हें? कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें? इज एवरीथिंग ओके? नथिंग इज ओके, तूने जैसा कहा था वही हुआ। मैंने ही जल्दबाजी में शादी कर ली। क्या हुआ है तुझे? व्हाट आर यू सेइंग? ये सब मैं तुझे फोन पर नहीं बता सकती, हम मिलकर बात करते हैं। एक्चुअली आज रोशन की बर्थडे पार्टी है, उसने तुम्हें कई बार फोन लगाया लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया, इसलिए उसने मुझे फोन करने के लिए कहा। आई एम नॉट इन अ पार्टी मूड। कम ऑन निशा, जब मूड आउट होता है तभी पार्टी करते हैं। नो यार, तुम्हें रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं है। ECR में जो गेस्ट हाउस है ना, वहाँ उसकी पार्टी है। यू गेट रेडी, हम मिलकर वहाँ बात कर लेंगे। चंद्रा, ए, तुमने उसे इधर क्यों बुलाया है? तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में तुझे पता है ना, बेवजह मुसीबत खड़ी मत करना। देखो तुम बस अपने काम से काम रखो। तुमने कहा था पार्टी है, यहाँ तो कोई नहीं। मुझे भी उसने यही कहा था, पता नहीं क्या हुआ। लगता है वो लोग आ गए, जाओ जाके उन लोगों को ऊपर भेजो। सुनो जननी, हाँ? तुम चंद्रा के साथ नीचे ही रहना, सिर्फ निशा को ऊपर भेजो। जननी, रोशन। हाय। हाय। रोशन ने तुम्हें ऊपर बुलाया है। ओके ठीक है, कम। ए चंद्रा, तू यहीं रुकना, उसको ऊपर जाने दे, हम लोग यहीं बातें करते हैं। कम। ओके। हाय रोशन। हे निशा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स डार्लिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। ये क्या बर्थडे पार्टी है, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। एक्चुअली मेरा सेलिब्रेट करने का मूड ही नहीं था, तुम्हें देखने की इच्छा थी इसलिए पार्टी ऑर्गेनाइज किया। हे निशा, क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना दूं? नो नो, ये क्या नई बात कर रहा है? एक्चुअली इस वक्त तुम बहुत टेंशन में हो ना, इसलिए पूछा। उसके लिए पीना जरूरी है क्या? पीने वाले लोग आधे से ज्यादा पीने की वजह टेंशन बताते हैं। जस्ट चिल। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने एक फ्रॉड से शादी कैसे कर ली, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? रोशन, आई केम फॉर योर बर्थडे पार्टी, मैं पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं आई हूँ। ओके ओके। ए निशा, यू लुक सो ब्यूटीफुल, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? ये जो कुछ भी हो रहा है उसे भूल जाओ, आओ हम इस लाइफ को एंजॉय करते हैं। हाउ चीप यू आर, चांस मिलने तक फ्रेंड्स की तरह बर्ताव करना, चांस मिला तो लवर बनना, और अगर चांस नहीं मिलता है तो नीचता पर उतर आते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती?
इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? हम दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां आ गई थी, मैं तो बस उसे कम कर रहा था। एक बात अच्छे से याद रखना, मैं तेरी तरह चीप नहीं हूँ। तेरा अर्जुन ही चीप है। ए, अर्जुन के बारे में कुछ मत बोलना, उसने भले ही मुझे बेवकूफ बनाया हो पर तेरे जैसा चीप बिहेव तो बिल्कुल नहीं करेगा। गेट लॉस्ट। हे निशा, 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 हे निशा, मेरी बात तो सुनो। निशा, 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 एक मिनट रुको तो सही। क्या हो गया तुम्हें? निशा मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो निशा। चंद्रा के साथ आती हूँ। निशा तुम चल रही हो कि नहीं? निशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जल्दी बोलो। तुम बाहर जाती हो, पार्टी करती हो, ये तुम्हारी पर्सनल बात है, लेकिन अभी तुम्हारी लाइफ में स्पेस आ गया है और मैं नहीं चाहता कि उस स्पेस को फिल करने के लिए तुम किसी और को चांस दो। ये तुम मुझे मत बताओ, स्पेस के आने की वजह भी तुम ही हो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार करके शादी की है, तुम क्यों नहीं समझ रही? ये ड्रामा किसी और को दिखाना। मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया, कोई और होता तो भी मैं यही करता। मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। निशा, निशा, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? लड़की तो शांति का प्रतीक होती है और तुम उसका उल्टा हो। तुम सबसे लड़ती हो, झगड़ती हो, बदतमीजी करती हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने जिंदगी को और हसीन करना चाहते हैं तो खाइए मस्ती मसाला। मेरे पति एक ड्राइवर हैं, ये हर तरह की गाड़ी चला चुके हैं, ऐसा कोई पहाड़ नहीं जो ये चढ़े नहीं, ऐसी कोई खाई नहीं जाए ये उतरे नहीं, लेकिन अब देखिए साइकिल तक नहीं चला सकते, कितने कमजोर हो गए हैं। ऐसे में हमारी पड़ोस वाली आंटी ने मस्ती मसाला के बारे में बताया, इसे आप चाहे तो सांबार में, दाल में, सब्जी में डालिए या फिर ऐसे ही खाइए, स्वादिष्ट है ना? अब तो इनमें इतना पावर आ गया है कि ये खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते, आप खुद ही देख लीजिए। अरे रुक जाइए। अपनी जिंदगी को और हसीन बनाना चाहते हैं तो खाइए मस्ती मसाला, बूढ़े इंसान में भर दे 7 घोड़ों का पावर। यू चीट, और तूने कितने झूठ बोले हैं। क्या हो गया बेटी? उस फ्रॉड ने विश्वास दिलाकर हमें धोखा दिया है। ये तू क्या कह रही है? हाँ पापा, वो टीवी एड में एक्ट करता है। टीवी में एक्ट करता है? और इतना ही नहीं, रात को जो एड आता है ना पापा, मस्ती मसाला, अच्छा सिमिलैरिटी एड है। अरे वो स्वाहियात एड में एक्ट करता है। मैं रोज देखता हूँ लेकिन उसको कभी नहीं देखा। पापा मुझे टेंशन हो रही है, उससे पहले इस घर से भगाइए। हाँ जरूर, उन लोगों ने एक्ट करके हमें बेवकूफ बनाया और ये एक्टिंग नहीं करता है कहकर तुम्हें बेवकूफ बना दिया। हाँ पापा, तुम्हें धोखा दिया है।
ए उमा, अर्जुन ऊपर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? नीचे आओ जल्दी। आने दो इन लोगों की खबर लेता हूँ मैं। उनके आने से क्या लगता है मामला इतनी जल्दी निपट जाएगा? अबे तू डुएट सॉन्ग के बीच में घुस रहा है? दगाबाजी करना तुम्हारे खानदान की परंपरा है क्या? भाई एनी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है पूछ रहा है? क्या निशा? अरे ची, 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 बैटमैन एक्टिंग करते हो और ऐसे खड़े जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतना बेशरम था वो। क्या है ना निशा, उसने पहले बताया था कि ये सोप का एड है, लेकिन उसने डब्बा बदल के रख दिया। देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। झूठ पे झूठ मत बोलो। यूट्यूब पे जो भी गंदे एड है ना वो सारे देख लिए मैंने। तुमने सब देख लिया बेटा? लिंक भेजना मुझे। मैं भेजता हूँ ससुर जी। क्या निशा, इससे सिर्फ एड में एक्टिंग की है, किसी फिल्म या सीरियल में थोड़ी एक्ट किया है। तुम्हारा रिएक्शन खून वाला है। मम्मी आप कुछ मत बोलिए, उस एड को मेरे दोस्त देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ए निशा, तुम ऐसे दोस्तों से मत मिला करो, फ्रेंडशिप कट कर दो। तुम मेरी इज्जत का वो, ए निशा, निशा क्या हुआ बेटा? ये सब कुछ टेंशन की वजह से। तेरी डेट तो ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? अब मेरी टेंशन मत बढ़ाओ माँ, आराम करूंगी, ठीक हो जाएगा। तेरी डेट तो ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? निशा, निशा, सब कुछ तेरी वजह से हुआ। मैंने क्या बिगाड़ा था? तुझसे शादी करना ही पाप समझ रही थी और अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। सुपर निशा, ये बात जब हम उन्हें बताएंगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। नाटक मत करो, इसे बच्चे बनाकर किसी तरह का इमोशनल प्लान मत बनाना। मैंने तुमसे पहले ही बता दिया था कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम जाओ निशा, निकल जाओ यहाँ से। निशा के गर्भवती होने की वजह मैं हूँ। ए, क्या बोल रहे हैं? गुस्सा मत होइए दामाद भगवान, आपको जो गिफ्ट दिया था वो एक्सपायरी डेट का था। एक पर एक फ्री था, एक आपको दे दिया, एक मैंने रख लिया। अच्छा तो ये बात है। चलो तुम्हारी लाख बुराई में एक अच्छाई भी जुड़ गई। मेरा हर काम अच्छा ही होता है। ए, निशा खुश नहीं है क्या? प्रेग्नेंट की खबर सुनते ही जब मैंने उसे गले लगाया तो उसने लगा दिया एक। चेहरे पे दिखाई तो नहीं दे रहा ना? ये तो किसी अंधे को भी दिखाई देगा, क्योंकि निशा ने तेरे मुंह पे सिर्फ चाटा नहीं मारा है, हाथ की रेखाएं छाप दी है। जोशी तेरा मुंह देखकर उसकी कुंडली बना सकता है। कैसा आदमी है रे तू, बीवी से मार खाता है? आजकल बीवी से मार खाने में ही भलाई है, आजकल सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्यों मामा, आप भी मार खाते हो ना? मेरी बीवी जब मारती है ना तो मैं हंसता ही रहता हूँ। हाथ दर्द होता है तो रुक जाती है, वो थूकती है तो भी मैं हंसता ही रहता हूँ। मैंने बोला था ना। कैसे रे तू, जा यहाँ से चल। और तू बैठ मेरे साथ, बीवी से मार खा फिर तुझे पता चलेगा। डर लग रहा है कि कहीं गुस्से में आकर निशा अबॉर्शन ना करवा ले। मेरे भाई जब तेरी नीयत साफ है तो तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। फिक्र मत कर, अपनी ईमानदारी पर विश्वास रख। तू कहना क्या चाह रहा है? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि हर गम का हल एंटरटेनमेंट में ही होता है, समझा ना? अब देख कैसे मूड फ्रेश करता हूँ। बेफिक्र मरिए, हम लोग हैं हमारा 500 एक्सपायर्ड कस्टमर पप्पू। चिता से लेकर नदी में बहाने तक हर रीति रिवाज हम करेंगे, कम कीमत में अच्छी तरह सेवा करेंगे। बेफिक्र मरिए, हम लोग हैं A7 डेथ केयर। अरे चुप रहे ना यार, मैं अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा हूँ और तू एक ये शूटिंग की कहानी लेकर बैठ गया। म्यूजिक वाला माहौल बनाए, मैं हूँ ना सुपर ब्रदर। स्टार्ट म्यूजिक। निशा सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है? ए तुझसे पूछा। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल क्यों जा रही है? अबॉर्शन के लिए। अबॉर्शन? अर्जुन को इसके बारे में मालूम है? उसे बताने की क्या जरूरत? पाप करने जा रही है। सिद्ध करके कंडीशन डालने की वजह से मेरा पहला बच्चा चला गया, उसके 10 साल बाद तू पैदा हुई। जिस बच्चे को मैंने खोया उसका दर्द तू नहीं जानती। तू भी उसी गलती की सजा भुगतना चाहती है? मुझे आपकी वो स्टोरी नहीं जाननी है। आप कुछ भी कहें मेरा यही फैसला है, मैं अबॉर्शन ही करवाऊंगी। निशा तुझे कुछ भी बोलना बेकार है, यही इंतजार कर मेरा, मैं आती हूँ। हेलो मामा।
मैं उमा बोल रही हूँ मामा। टेंशन मत ले यार, तेरी बीवी को तुझसे अलग नहीं होने देंगे हम लोग। थैंक्स यार। देख मैंने सब कुछ बात करके रख लिया, मंत्री से बड़ा गुंडा कोई भी नहीं हो सकता। अरे उसके पास तो दिमाग ही नहीं। उसको कम मत समझ, वो टूटे हुए नारियल को उठा के फिर से जोड़ के बैठ सकता है। उसका गंदा हाथ तेरे सर पर आना तो तेरे पूरे ससुराल को एकदम हद कद में रखेगा। यहाँ पर आए करोड़ों लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मंत्री जी, उन करोड़ों में हम तीन भी हैं। आइए आइए। बुला लिया। आओ, तो तुम लोग भी मेरी पार्टी में शामिल होना चाहते हो? नहीं, हम तो आपको शामिल करने आए हैं। ये है मेरा दोस्त कलेजे का टुकड़ा अर्जुन। बॉस, मेरी सभी फ्लॉप एड फिल्म का हीरो यही होता है। इसका चेहरा देखना ना पड़े इसलिए लोग सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। पार्टी में शामिल करके वोट मांगने भेज देते हैं। अर्जुन भाई के बारे में चार अच्छी बातें बोल और शॉल पहना दे। शॉल वॉल नहीं लेकर आया मैं। अबे यार, ये सामने क्या पड़ा, डाल दे। सप्रेस पार्टी का महान नेता, चार चार शादी करने के बाद भी सुखी है ये। महिला पार्टी के मामू है ये। शराब में टैक्स फ्री मांगने वाला शराबी, बिना पासपोर्ट के अमेरिका जाने वाला आदमी। बस बस बहुत हो गया भाई, आप जरा कार शिफ्ट कर लेंगे? क्यों रे? भाई ने कार नो पार्किंग में खड़ा किया। पार्किंग क्या, पुलिस की गाड़ी हटा के अपनी गाड़ी पार्क की है। कहाँ गए सब? पार्टी से निकाल दिया मुझे। ए, बोला था ना भाई का साया भी खतरनाक है। मैं इन सब बातों से नहीं डरता हूँ रे, 10 पार्टियों को देख चुका हूँ मैं, और अपने अनुभव से मैं दोनों पार्टी से कभी भी लड़ सकता हूँ। इसका क्या मतलब? मतलब तुम मत सोचो, मतलब प्रेस वाले खुद ढूंढ लेंगे। तुम बस 500 निकालो और पार्टी में पोजीशन ले लो। अरे वो सब बाद में, अभी 750 रुपए देता हूँ, एक जगह जाकर धमकी देनी है। 750 रुपए? तो पहले उस प्रॉब्लम को देखता हूँ। मैंने निशा के नाम से एक अपॉइंटमेंट लिया था। निशा क्या? ओ, आपकी एक काउंसलिंग है, डॉक्टर आकर आपसे मिलेंगे, आप रूम नंबर 40 में जाइए। ओके श्योर। ठीक, मैं आई कम इन सर। अंदर आओ बेटी, तुम्हें काउंसलिंग करना है ऐसा डॉक्टर ने बोला। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? निशा। आपके हस्बैंड का नाम? अर्जुन। ये बताने के लिए क्यों इतना सोच रही थी? अभी आपको क्या करना है ये सोचकर बताओ। अबॉर्शन। क्यों बेटी? सर दैट्स माय पर्सनल इशू। माफी चाहता हूँ, आप कंसल्टेशन के लिए आई हो, आप काउंसलिंग के लिए आई हो, काउंसलिंग में कुछ भी पर्सनल नहीं होता, सब कुछ बताना पड़ता है। ओके, मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। हाँ? धोखा दे दिया मतलब? तुम्हारा सोना चांदी सब ले गया क्या, या तुम्हारी जायदाद उसने धोखे से ले ली, या किसी और लड़की के साथ उसका संबंध है? नहीं सर, मेरे साथ उसने झूठ बोलकर शादी कर ली, मेरी सारी कंडीशंस को तोड़ दिया, मुझे उसका बच्चा पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो सब कंडीशन क्या है बेटी? दामाद को काम पर नहीं जाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। तुम जो बोलो, शराब नहीं पीना है तो ठीक है, लेकिन गुस्सा नहीं होना, काम पर नहीं जाना, कमाने का नहीं, फिर क्यों तुमने एक ऐसे मर्द से शादी की? शादी से पहले ही डिवोर्स पेपर पे साइन करवा के रख लिए हैं। लड़की लोग डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बहुत तकलीफ उठाती हैं, इसलिए डिवोर्स पेपर पर तुमने पहले ही साइन ले लिया। शादी को इससे बेहतर कोई जलील नहीं कर सकता। हाथ पर क्या हो गया जो तुमने ऐसा किया? चींटी थी। उसे क्यों तुमने भगा दिया? उसे कुचलकर मार देना चाहिए था। उसने क्या पाप किया ऐसा? तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसने क्या पाप किया है जिसे मारने के लिए यहां पर आई हो? यही वो घर है, कड़क धमकी देना। अबे इसका घर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आदमी है क्या? फोन करके धमकी दे दूं? अरे घर पर आकर कोई फोन पे धमकी देता क्या? कैसी बातें कर रहे हो? आ गया बाहर आ गया। ये वॉचमैन भिखारियों को अंदर क्यों आने दिया? ओए भिखारी किसको बोल रहा है? पता ही है, बहुत बड़ी पार्टी के मंत्री हैं, गुंडे हैं। मैंने जो बोला वो सही बोला? क्या मजाक उड़ा रहा क्या? मेरा भाई एयरपोर्ट पे जाके ट्रेन में घूम कर आता है, पता है क्या? फिर तो ये एक पागल है। इसको पता कैसे चला? इसे पता नहीं भाई कौन है। भाई जब बगल में लुंगी उठाकर खड़े हो जाते हैं ना तो लोग नजरें उठा के भी नहीं देखते हैं। क्यों, तेरा भाई अंडरवेयर नहीं पहनता क्या? फिर से इंसल्ट। भाई उठाओ लुंगी। क्या देखना, ये कोई गवर्नमेंट का म्यूजियम है क्या? चुप रहो तुम लोग, प्रॉब्लम तुम्हारा था और तुम मुझे प्रॉब्लम में डाल रहे हो। देखो भाई, अब मैं सीधा मैटर पर, अभी मैटर में आ रहा है। बीच में टोकेगा तो मैं भूल जाऊंगा। तुझे ये सब सिखा कर लाया है क्या? ठीक है, अर्जुन अपना ही लड़का है और वो मेरा बहुत बड़ा फैन है, मतलब जिगर का टुकड़ा है। भाई जिंदाबाद। यहाँ जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? बंद करो जिंदाबाद। कोई चुप नहीं करवा सकता। तुम मिलाकर तुम लोग तीन ही हो ना। अरे
अपनी बेटी को अर्जुन के साथ जिंदगी बिताने के लिए बोल, अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ और होगा। औरत के घर पर घुसकर तुम लोग लफड़ा करते हो, तुम लोग तो मर्द ही नहीं हो। मालिक क्या? आप खाना खा लीजिए। खा लेता हूँ। अब जब यहाँ आई गए हो तो खाना ठूस के जाना। खाना वाना मैं नहीं खाता, 500 एमएल मार लिया और 200 रखे हैं। भाई विराट कोहली को देखो, 2 रन बनाकर अभी भी खेल रहा है, 500 मार के भी बिना हिले डुले खड़ा है। तुम मेरा यहाँ पे अपमान करवाने के लिए लाओ क्या? आई एम भाई रुको ना भाई, कुछ मैटर मेरे पास कोई मैटर नहीं है। तुम्हारी बेटी उसके साथ रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ तुम लोग। भाई एक और जगह धमकी देना है, वहाँ से 200 और मिलेंगे। ए जाते जाते कोई शेयरिंग में आने का है क्या? 10-10 रुपए मालिक, वो चले गए। मालिक मुझे पता नहीं है क्या? तू भी चल। क्या हुआ? पहले जब मैं समझा रही थी तब तो तेरी समझ में नहीं आया, अब साफ सुन गया? बता तो इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? मॉडर्न लड़कियों को कोई बाहर वाला आकर समझाए तभी वो समझती है। बाहर वाले ने समझाया उसके लिए बुरा नहीं लगा, बुरा मुझे इसलिए लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। बाहर वाला कोई नहीं है, वो मेरा भाई तुम्हारा मामा है। कौन वो नारद नायडू? अरे ये शॉल तो भगवान को पहनाते हैं, तुमने मुझे क्यों दे दी? कहीं तुम मुझे भगवान तो नहीं समझ रहे हो? अरे हाँ समझते हो ना। आपने ऐसा सवाल कैसे कर लिया? हाँ। आपने एक नेता को मारकर धूल चटा दी थी उसे। और नहीं तो क्या। हाँ। याद है पहली बार मैंने हंटर से मार खाई, दूसरी बार पेट्रोल बॉम्ब से, तो गुस्सा तो आएगा ना। आप अकेले हो ये सोचकर हाँ। आपको वो डराना चाहते हैं? मैं अंदर से तो बहुत डर रहा था हा? लेकिन बाहर से बब्बर शेर था। आप डरने वालों से नहीं हो, सामने वाले को डरा दिया। अफसोस मुझे, मैं उस समय नहीं था। क्यों? मैं साधारण तरीके से रहता हूँ तो स्वामीनाथन हूँ, जब मैं लुंगी उठाकर ऊपर बांधता हूँ ना तो मेरा ना लेकिन वो तुझे उल्टी आ रही क्या? गला अटक जाता है। गले में कुछ अटक गया तो लकड़ी से निकालूं बाहर? पानी चाहिए तुम्हें? कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में है, जाकर पी लो। पीकर आता हूँ। ये भी अजीब आदमी है, हाँ? ये फोन भी कहाँ बज रहा है? अरे नायडू भगवान। ए स्वामीनाथन, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन, बीच में कुछ मत बोलना। अर्जुन और निशा जब तक एक नहीं हो जाते तुम उनके साथ ही रहना। किट्टू मणि थोड़ा पागल है, इसलिए तू लापरवाही से मत रहना, समझा? मैं पागल हूँ? ए नारद, तूने तेरा असली रूप दिखा दिया। भगवान आप बहुत बढ़िया कूद रहे हो। ये क्या, मेरे फोन के टुकड़े टुकड़े कर दिया आपने? कोई बात नहीं, आईफोन लेकर दे देना। आईफोन? आप इतने टेंशन में क्यों हो? धूप में एक्सरसाइज करोगे तो मेंटल हो जाओगे। चलो चलो मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। एम्बुलेंस को बुलाऊं? चलना अभी बुलाता हूँ, चलना मेरे साथ। चल चल चल। इतना मारा कि हड्डी पसली एक हो गई। आ, 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 जब उनकी पीठ पर मैंने एक्स देखा था तो पूछा था वाई जेड कहाँ लिखोगे, मेरी पीठ कहाँ था, लिख दिया लगता है। मेरी धोती कहाँ गई? लगता है अंदर चली गई। इतना मारा सारा जगह ही बदल गया। निशा, निशा, मेरी शादी करवा के या फिर बच्चा पैदा करवा के मुझे फंसा देंगे, उनको ऐसा लगा था क्या? वो तो अच्छा हुआ कि शादी के पहले ही मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन ले लिया था। तुम कितना भी ढूंढो डिवोर्स पेपर नहीं मिलेंगे। क्या मतलब है आपका? जब तुम लोग हनीमून के लिए गए थे तभी मैंने फाड़ दिए थे। मम्मी, जो दवाई तुम अबॉर्शन के लिए ले रही थी उसमें सिर्फ विटामिन्स थे, ये अर्जुन को भी पता नहीं है। मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? ध्यान से सुनो निशा, तुम्हारे पापा ने बिल्कुल तुम्हें उनके जैसा बना दिया है, लेकिन माँ का फर्ज निभाने में मैं बिल्कुल नहीं चूकी, बाकी सब तुम्हारी मर्जी। मतलब सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था। निशा तुमसे बात करनी है, एक मिनट रुको। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है तो मैं तुमसे बात क्या करूंगी? बंद दरवाजे को तोड़ने की कोशिश भी मत करो। दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाला मैं विलन नहीं, औरतों की इज्जत करने वाला तुम्हारा पति। पति का दर्जा देने लायक तुम हो ही नहीं, सच कहूँ तो तुम इंसान भी कहलाने के लायक नहीं हो।
दिस इज टू मच निशा, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। लोग तो कभी कभार झूठ बोलते होंगे, पर तुम्हारी तो हर बात में झूठ है। आई हेट यू, आई लव यू सो मच निशा। लव इज डिवाइन, तुम कह जरूर रहे हो पर जिंदगी भर इसके मायने नहीं समझ पाओगे। तुमने पूरी प्लानिंग के साथ मुझे फंसाया है, यहाँ तक कि तुमने मेरी एक भी कंडीशन पूरी नहीं की, मुझसे झूठ बोला। यू आर अ ब्लडी चीट। तुम इतनी नफरत से मुझसे बात करी हो, मैं कोई शराबी या फिर कोई गुंडा हूँ या किसी गैर औरत के साथ घूमता हूँ या तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली? तुमसे बे इंतहा प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ मैं। तुम जानवरों से इतना प्यार करती हो लेकिन अपने पति से प्यार नहीं कर सकती? जानवर तो फिर भी वफादार होते हैं, तुम तो उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। निशा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे तुम। गुड बाय। क्या हुआ बेटी? मैं आपके कहने पर शादी के लिए राजी हुई, अपनी कंडीशंस रखी और उसे पसंद करके उससे शादी की, लेकिन वो मुझे इस तरह से धोखा देगा ये मुझे पता नहीं था। उसके इस धोखे को हर दिन मैं सहन नहीं कर सकती हूँ पापा। देखो तुम्हें ऐसे रो मत बेटी। मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती पापा, और मम्मी ने डिवोर्स पेपर को फाड़ कर फेंक। अगर वो फाड़ कर फेंक देगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा क्या? कल ही मैं वकील से बात करके डिवोर्स नोटिस भेजने को कह देता हूँ। तू हमेशा खुश रहकर जीना चाहती है ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तू फिक्र क्यों करती है? पापा टाइम हो गया। उमा तुम आ रही हो क्या? क्यों आऊँ, अपनी लड़की डिवोर्स दे रही है ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। तुम ही जाकर तमाशा देखो, समझे? देखो शराब दे रही है। ड्राइवर गाड़ी निकालो। ड्राइवर को छुट्टी दे दिए, अब यहाँ कोई नहीं है। मुझे ड्राइविंग आती है, अगर बिल्ली दूध पीते वक्त आंख बंद कर लेगी। सर तो भाई क्या ले गया है? थैंक यू। मम्मी ये क्या चीप हरकत है? अच्छा मेरी हरकत चीप है? पापा को डिवोर्स नोटिस भेजा आपने? क्या कहा, मुझे डिवोर्स नोटिस भेजा? उमा ये मजाक मस्ती मत कर। और तू जो मेरे साथ सालों से खेल रहा है। क्या कह रही है? हाँ तू ही, तुम्हारी बेटी 4 महीने में डिवोर्स नोटिस भेज रही है और मैंने पूरे 35 साल तुम्हारे साथ जिंदगी बिताई है, जमा नहीं इसलिए डिवोर्स नोटिस भेजा है। तू डिवोर्स मांगेगी तो मैं दे दूंगा क्या? मैं कोर्ट में फाइट करूंगा। दरवाजा तो ऐसे जैसे महल का दरवाजा हो, अंदर कुत्ते भी हैं, कहीं काट न ले। ए हटना साइड में। ए कौन है तू, अंदर कहाँ जा रहा है? कुरियर सर्विस से आया हूँ, निशा मैडम के लिए कुरियर। मेरे लाल के लिए कुरियर लेकर आया है? लाल पीले का तो मुझे पता नहीं, निशा मैडम का कुरियर है। अरे निशा ही मेरी लाल है, ला मैं दे दूंगा। आप कौन है? कौन हूँ? सुन मैं इस घर का पहला दामाद हूँ, मिस्टर निशा। चलो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नीचे मैं आपके लिए कुरियर लाया। ओए तू क्या कुरियर लेकर आ रहा है? मैं आपके घर में दामाद बनकर तो नहीं आ पाया, तो सोचा कुरियर बॉय बनकर ही आपके घर आ जाऊँ। लीजिए ना ससुर जी। ससुर जी लीजिए, पकड़िए। ठीक है मैं ही खोल कर पढ़ लेता हूँ, लगता है बासी चावल से चिपकाया। लीजिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जरा दूर खड़ा रहे। माय डियर निशा, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, ऐसे बहुत सारे रास्ते होने के बावजूद मैं हाथ से लेटर लिखकर भेज रहा हूँ, ये सोचकर तुम बहुत शॉक्ड हो रही होगी। मशीन के जरिए आने वाला शब्द दिल पर रुकता नहीं है, जस्ट लाइक क्लाउड पास हो जाएगा, इसलिए बहुत लोगों का लव फेल हो जाता है। इस शब्द में जान है निशा, क्योंकि ये मरने वाले का आखिरी लिखा हुआ शब्द है। मेरे रिश्तेदार की लड़की हो तुम, ये जानने के बाद मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम्हारे बिना जीने की मैं सोच भी नहीं सकता, इसीलिए मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया। आज दोपहर 12 बजे मैं त्रिशूल पहाड़ से गिरकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अगर चाहो तो आकर मेरी बॉडी को देख लेना। ये एक इमोशनली लेने वाला फैसला है, लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है। किसी की इम्पोर्टेंस उसे खोने के बाद ही पता चलती है। With lots of love, अर्जुन। इस पर यकीन मत कर बेटा, ये भी नारद नायडू का प्लान हो सकता है। बेवकूफ, मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए था ना, मेरे लिए आत्महत्या क्यों कर रहा है? अगर मेरी वजह से उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बेटी तुझे तो वो पसंद ही नहीं है ना? पापा ये आपसे किसने कहा? कल शाम को ही तो तू मुझे बता रही थी कि वो। हाँ कहा था पसंद नहीं है, लेकिन मरने के लिए नहीं कहा था। ये बात पहले पता चल जाती तो एक घंटा लेट लेकर आता, लड्डू हाथ तक तो आया मुंह में नहीं पहुंच पाया। निशा बार बार फैसला मत बदलो, एक फैसले पे अड़ी रहो, उसे मरने दो। मुझे तो गुस्सा नहीं आया, कंडीशन नंबर 4। मैं इस बेवकूफ को झेल नहीं पा रहा हूँ। अरे वक्त गुजरता जा रहा है, तुम लोगों की बकवास में मेरा दामाद मर जाएगा। अभी मुझे क्या करना है? गाड़ी निकालो। चलो ए, निशा 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 मेरी बात सुनो, रुको रुको, अंदर बैठ। अरे सुनो तो ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी उसे मरने दो ससुर जी। अरे अच्छे दामाद को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, मेरी बात तो सुनो।
ससुर जी जल्दी नहीं है, आराम से चलिए। गाड़ी तेज चलाइए ना पापा। क्या बेटी, क्या? वो खुद ही जाने वाला है इस दुनिया से, इसमें हम क्यों इतनी जल्दबाजी करें? एक्टर वो थर्ड पर्सन है, उसके लिए तू क्यों परेशान हो रही है? वो एक जान है पापा। लेकिन तेरी जान तो नहीं है ना पापा। आई मीन तेरी वो जान नहीं है ये कहा मैंने। भारत नायडू सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। क्या कर रहे हो? अरे रे 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 रे। क्या? पत्थर की जगह मैंने गाड़ी की चाबी फेंक दी। पापा, तू निकल यहाँ से। ढूंढो अच्छी तरह से। ढूंढो, 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 ढूंढो। कहाँ है? ढूंढो सब। कहाँ गई? कहाँ गई चाबी? मिली क्या? मिल गई? ससुर जी, अरे मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है तू? पागल हो गया क्या? ला दे। अरे चाबी, चाबी, चाबी। आ गया। निकल, निकल। मिल गई चाबी। चलो निशा, फिर से मेरा टाका निकाले बिना नहीं मानेंगे। पापा, इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या बात कर रही हो बेटी तुम, हाँ? जबकि हकीकत यह है कि इस सिचुएशन की जिम्मेदार तुम ही तो हो। बेटा तुम देखो तो सही, कितनी ट्रैफिक है, हमारे आगे कितनी गाड़ियां हैं, मैं इनको पार करके कैसे जाऊं? उड़ के तो नहीं जा सकता ना, उसमें भी अक्ल कुछ ज्यादा ही है, तभी तो सिटी में सुसाइड कर रहा है। ए, सामने देखो, इस गाड़ी में आने से अच्छा तो एम्बुलेंस में आती तो अभी तक पहुंच भी जाते। टेंशन मत लो, वहाँ एम्बुलेंस रहेगी, पुलिस भी रहेगी, तो बॉडी के साथ तुम भी चले जाना, इसमें क्या है? पापा। सुनो बेटी, मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे दिया है, ये आज मुझे महसूस हो रहा है। निशा, निशा, मुझे भी एक चांस दो ना निशा, प्लीज। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। उमा रुक जाओ। अर्जुन, ये उसकी जिंदगी है, उसे फैसला करने दो। ये क्या, मुझे लगा कुछ टूट कर गिरा है। ओ, ये तो पत्थर है, बच गया। अर्जुन, अर्जुन प्लीज मेरी बात तो सुनो, इससे कुछ हल नहीं होगा। निशा वहीं रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। अर्जुन, जो भी बात है वो हम बैठकर कर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की समस्या बात करके सुलझ जाएगी, लेकिन पति और पत्नी की समस्या बात करके कभी नहीं सुलझेगी, और बात ना करें तो और भी परेशानी। अर्जुन प्लीज चलो नीचे। अगर तुमने अपने घमंड को हमारे रिश्ते से दूर रखा होता तो मुझे ये फैसला लेना नहीं पड़ता। मतलब तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे? तुम अपने मन को नहीं बदल सकती तो मैं अपना फैसला क्यों बदलूं? बेवकूफ हो क्या, तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? अगर ऐसा होता तो ढूंढते हुए इतनी दूर क्यों आती? जब मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था तब तुम पत्थर की तरह खड़ी थी, अब यहाँ आकर नाटक कर रही हो? मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे निशा, निशा, ए, निशा! अरे दामाद जी भी कूद गए। बचाओ ना, बचाओ उसे। अरे मुझे तैरना नहीं आता है। तुम रुको, मैं किसी को मदद के लिए लेकर आता हूँ। रुको, तुम चिंता मत करो। निशा ठीक है ना? दामाद जी, कुछ हुआ तो नहीं इसे? निशा, ये तो अच्छा हुआ दामाद जी, आपने तो कहा था कि आप स्विमिंग नहीं जानते, लेकिन आपने इतनी ऊंचाई से कूदकर मेरी बेटी को बचा लिया। इसको तैरना नहीं आता इसने कहा, लेकिन इसने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं सीखेगा। इसने तैरना सीखा सिर्फ तेरे साथ जीने के लिए। जब चाहिए तो कंटिन्यू करना,
और नहीं चाहिए तो डिसकंटिन्यू करने के लिए। ये जिंदगी जो काम करती है वो सॉफ्टवेयर नहीं है बेटी। जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, लेकिन अगर जिंदगी को ही मुसीबत समझ लेंगे तो कैसे चलेगा? जिंदगी के फैसले को खुद जज करना चाहिए। अगर फैमिली कोर्ट में समस्या लेकर जाएंगे तो वो क्या जजमेंट देगा? डिवोर्स के लिए वकील को पैसे देने के बजाय अगर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर समझौता कर लिया तो जिंदगी खुशहाल रहती है। इस तरह के जीने को जीने की आजादी नहीं कहते, तौर तरीके से जीने को ही जीने की आजादी कहते हैं। आजकल के नौजवान कभी इस तरफ कभी उस तरफ, क्या इसी को फ्रीडम ऑफ आजादी कहते हैं? इन लोगों की समस्या है शादी के 4 साल बाद वकील ने नोटिस भेजा ये देखकर तुम परेशान हो गई। तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए? 3 या 4 महीने हुए होंगे। इतनी जल्दी डिवोर्स की बात करोगी तो तुम्हारी माँ को कितना दुख होगा। देखो बेटी, बीवी समुद्र होती है, उस समुद्र में तैरना आता हो ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया? उमा, नायडू सर ने जो कहा तुमने सुना कि नहीं? मैंने जो भी कहा वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए था। बीवी एक बिजली होती है, बीवी का फ्यूज निकाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ए भगवान, इसको उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन सुधरने वाले नहीं हो। जो हुकुम मेरी आँख की। अर्जुन, ये क्या है? तुम्हें पेट्स पसंद है ना, इसलिए मैं इसे राम नारायण ऑफिस से खरीद कर लाया हूँ। रामो, विश करो।